मेरा नाम शिवा है, मैं श्रीलंका में पैदा हुआ। मेरा गांव है यालपालत के पास नेल्लूर। जब मैं 3 साल का था तब मेरा परिवार कनाडा में सेटल हो गया। ये लड़कियां मेरी पड़ोसी हैं, ऐश्वर्या और एलसी। किसी ने ऐश्वर्या की अश्लील वीडियो बना ली। वो उसे धमकी देता कि अगर वो वहां नहीं आई जहां वो चाहता है तो वो वीडियो की क्लिपिंग नेट पर डाल देगा। आज उसने ऐश्वर्या और एलसी को पब में बुलाया है और आज वहीं मैं भी उसका फैसला करूंगा। हमारा देश है ना शहर है ना हमारी मिट्टी है, यहाँ काम करने आए हैं, समझा तू? ए, चल जा यहाँ से, जा, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। मैंने अपनी माँ को इतना नाराज पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं वो गुस्से में थी या चिड़ी हुई थी, लेकिन एक बात उसने सच कही, ये मेरी मातृभूमि नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं इसे अपना नहीं बना पाया, ये बात मैं समझ गया हूँ। इसलिए मैंने एक फैसला किया है, वापस अपने देश चला जाऊं। मां, मैं अपने देश हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं, वापस जरूर आऊंगा, लेकिन टूरिस्ट वीजा पर। इंडिया से लौटते समय आपके लिए क्या लेकर आऊं? अच्छा नाम कमाकर वापस आना बेटा। जरूर मां। पापा, ये कहानी सन 2002 से लेकर सन 2008 के मध्य श्रीलंका और कनाडा में हुई सत्य घटना पर आधारित है। इसके फिल्मांकन में कुछ बदलाव करके श्रीलंका और कनाडा के स्थान पर तमिलनाडु और कनाडा में बदल दिया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एक शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो हम इतना लेट क्यों हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शिवा जल्दी आओ ना। दीदी क्या हुआ, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तुम्हारे लिए लड़की देखने। क्या कहा? मेरे लिए लड़की देखने? मैं इंडिया लड़की वड़की देखने नहीं आया हूँ, बिजनेस करने आया हूँ। ये देखो इसकी कॉमेडी। यहाँ के लोग गाय बकरी गधा बेचकर पैसा कमाने के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन ये विदेश से पैसा कमा कर यहाँ बिजनेस करने आया। क्या परिवार है तुम्हारा? अब क्या करूँ, सभी लोग अपने घर की बेटियों की विदेश के लड़कों से, बिजनेसमैन से या अमीरजादों से शादी करवाने की सोचते हैं। लेकिन क्या हमने आइसक्रीम वाले से बेटी की शादी नहीं करवाई? मेरे प्रोफेशन पे तुम्हारा परिवार मजाक क्यों उड़ाता है? दीदी वो लड़की कौन है क्या करती है जाने बिना मैं नहीं देखने जाने वाला। अरे जानना क्या है, मैंने सब पता कर लिया है। उस लड़की के बाल सुनहरे हैं, आंखें नशीली, उसे देखकर खुद को नोचने का मन करे। ना नोचे तो शादी मत करना। देख शिवा एक बार तो बस लड़की देख ले। अरे रे क्या खूबसूरती है उसकी, मैं बता नहीं सकता। आपने देखा उस मैडम को? ब्रोकर ने बोल दिया बहुत है। जीजा किसी भी ब्रोकर की बात में आने वाला मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। साले साहब ब्रोकर की बात मत मानो, लेकिन मेरी बात तो मानोगे ना? अब आप ब्रोकर भी बन गए क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इसका रिश्ता करना चाहता हूँ। बात समझ में आई क्या? अब समझ गए ये? सुनिए जीजा जी, आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो जाकर देखा। ऐसे मुंह मत बना, खुशी खुशी चलो चलो चलो, ए तू भी चल। चली चली निकलते हैं। चलो चलो। देखो देखो आई आई लड़के वाले आ गए। लड़के वाले आ गए। नमस्कार नमस्कार। लड़की वालों से ज्यादा अंदर ले जाने के लिए आप क्यों दावले हो रहे हैं? बेटा यहाँ तो बेइज्जती मत करो मेरी। तो ओवर एक्टिंग मत करो। मेरे अंदर नेचुरल है, क्या करूं? ठीक है तो अंदर चलो। हाँ चलो चलो। दिल में मेरे दिल नशी, तू है कोई ख्वाब सी, नटखट तेरी है हंसी, तलाश है तेरी, अप्सरा तेरे जैसी होगी ना कोई ऐसी, मेरे दिल में बसी तलाश है तेरी। अरे
खुश क्यों हो रहे हो? खुश कहाँ हो रहा था, मैं तो बस देख रहा था। और कोई लफड़ा तो नहीं? कोई लफड़ा नहीं। ठीक है चलो। हाँ, चलो। सपना सपना पूरा हुआ सपना, तुझको ही मैं मानो अपना, ईश्वर का है खेल निराला तुझको। अरे उस औरत को देखकर आप रो क्यों रहे हो? तो खुशी के आंसू है बेटा। आप बताओगी या उस औरत से ही जाकर पूछूं? नहीं ऐसा मत करना। तो फिर बताओ। एक्चुअली मैं वही तुम्हारी माँ होनी चाहिए थी। अरे ये क्या कह रहे हो? मेरा सालों पहले उसे टाका भिड़ा था। क्या मामा? क्या हुआ? लड़की देखने के बाद खाना खाते हैं ना? खाने के बाद देख लेंगे ना। अरे पहले लड़की देख लेते हैं ना मामा। लेकिन क्यों यार? यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए बेहतर है पहले लड़की ही देख लेते हैं। ठीक है जीजा जी, पहले लड़की देखनी है। लड़का क्या कह रहा है? लड़के को पहले लड़की देखनी है। खाना खाने के बाद देख लेना। खाते खाते भी तो देख सकते हैं ना। अभी जिसने खाना परोसा है वही तो है मेरी लड़की। मामा आपने लड़की देखी क्या? मैंने नहीं देखी। लड़के ने लड़की को नहीं देखा, दोबारा आने को कहो। अजीब मुसीबत है भाई। सुनो बेटी रानी, दाल लेकर आ रही हूँ पापा। लड़का तुम्हें दोबारा देखना चाहता है, दाल बाद में ले आना, पहले इधर आ जाओ। जो आ रही है वो मेरी बेटी है। अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो तुम उसके पापा बन जाते। देख लो बेटा, यही है मेरी बेटी। मामा अब क्या हुआ? बाल सुनहरे, आंखें एकदम नशीली, जिसका जलवा देखकर खुद को नोचने का मन करे, ये वही लड़की है क्या? घर चलो फिर बताता हूँ। अरे अच्छी तो है यार। चलो उठ, उठो दीदी। अरे क्या हुआ, आप लोग ऐसे उठकर चल दिए? जैसे फिल्मों में कहते हैं कि हम घर जाकर जवाब देंगे, वैसे ही हम घर पहुंचकर फोन करते हैं। जो भी कहना है यही कह दीजिए ना। मामा जवाब दे दो। मामा मुझे लड़की पसंद नहीं है, चलो कोई और बकरा ढूंढो। अरे इतनी खूबसूरत लड़की को ना करके जा रहा है, इसका कितना घटिया टेस्ट है। इसका भी क्या स्टेटस है? ये वाला ना सर, आजकल ये मार्केट में बहुत चल रहा है सर। हाँ ये देखिए। कौन सा? ये वाला। हे कुमार। शिवा भैया आप कनाडा से यहाँ कब आए? क्या भैया, एक बार आने के पहले फोन तो किया होता। आइए यहाँ बैठते। सर आप भी जरा आइए ना। भैया इनका नाम है गोविंद, फ्लोरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये असिस्टेंट मैनेजर है। ये क्या कुमार, सारे बच्चे फूल लेकर ऊपर कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी नहीं पता भैया। वो क्या है ना सर, वकील ईश्वर सर बार काउंसिल का इलेक्शन जीत गए, तो ये सब उन्हें ही बधाई देने जा रहे हैं। वैसे वकील से मिलने बड़े जाए तो बात समझ में आती है, इतने सारे बच्चे जा रहे हैं। एक्चुअली सर ये सभी बच्चे ईश्वर सर के ट्रस्ट में पढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं सर, अगर आप किसी वकील के पास जाएं, वो चाहे केस जीतने वाला हो या हारने वाला हो, एडवांस पहले लेता है, फिर आपके केस से उसे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ईश्वर सर उन वकीलों जैसे नहीं है, वो पहले ही देख के बता देते हैं कि आप केस जीतोगे या नहीं। अगर उनके पास कोई ऐसा क्लाइंट आए जो बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा हो तो वो उससे एक रुपया तक नहीं लेते हैं। इसलिए ये सिर्फ इस शहर के नहीं बल्कि इंडिया के नंबर वन वकील है, इसलिए उनसे मिलने यहाँ इतनी भीड़ आई हुई है। चल कुमार मैं चलता हूँ। कल मिलते हैं, गुड नाइट। जीजा श्री, ये आपको क्या हो गया, पागल हो गए हो? तेरे पापा को क्या होगा, पागल की तरह नाच रहे हैं? उस लड़की को आपने ना कर दिया ना, इसलिए नाच कर अपनी टेंशन कम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है। पागल को समझना मुश्किल है। जैसा बाप वैसा बेटा। हेलो हरी, नानी बोल रही हूँ बेटा। हाँ बोलिए नानी जी। ये बताओ लड़की देखने गए थे, क्या हुआ वहाँ? वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी नानी। अच्छा पापा कहाँ है? वो घर की छत पर नहाते हुए नाच रहे हैं। उनसे जाकर कहो नानी बुला रही है। एक मिनट होल्ड कीजिए, अभी बुलाता हूँ। ए ना ही आप फिल्म के हीरो हो और ना ही वो फिल्म की हीरोइन थी,
आपकी सास का फोन आया है, चलो। सासु माँ, मैंने क्या इंग्लिश में बोला? आता हूँ, आता हूँ। अरे जल्दी आइए ना। अरे आ रहा हूँ ना, उम्र हो गई है बेटा। जल्दी करो, अरे जल्दी आइए ना। ठीक है, मुझ पर भरोसा करके अपनी बेटी देने वाली भगवान है मेरी सासु माँ। क्या दामाद जी, आप लोग लड़की देखने गए थे, क्या हुआ वहाँ पर? लड़की तो बहुत सुंदर थी, इन दोनों को पसंद नहीं आई और ना कह दिया। सिर्फ इतना ही नहीं सासू माँ, ये दोनों मिलकर मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं यहाँ। कैसा मजाक? बहुत बुरा वाला। कहते हैं मैंने खुद को बेचकर आपकी बेटी से शादी की है। आप उसी के लायक हो। तो चुप हो जाना, सासू माँ से बात करने दे। रहने तो दामाद। बोलिए सासू माँ। मेरी खातिर आप फिर से कोई दूसरी लड़की देखो ना दामाद जी। काम हो जाएगा। मेरा बर्थडे आपको कैसे पता? जो कोई भी दिल के करीब होता है उसका बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? अब कुछ समझा नहीं। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। नमस्ते सर। हाँ आओ गोविंद, बैठो। सर इनका नाम शिवा है। ओह हाय। हाय, नाइस मीटिंग यू। प्लीज सर, ये कनाडा से यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आए हैं। ये उस जमीन के पेपर्स हैं। अगर आप इसे देखकर ओके कहेंगे तो ये उसे तुरंत खरीद लेंगे। ओह जमीन किसके थ्रू ले रहे हैं आप? इनके थ्रू ले रहा हूँ सर। आप लैंड मीडिएटर हैं? जी हाँ सर। नाम क्या है? शनमुगम सर। ये पेपर्स ओके हैं, जमीन ठीक है। ओके सर, इसे खरीद लो। ये लो पेपर्स। थैंक यू सर। शिवा तुम बहुत आगे तक जाओगे, ऐसी मेरी सोच है। थैंक यू सर। शिवा ये पहली मुलाकात में लोगों का फ्यूचर बता देते हैं। दे दीजिए सर फीस। नहीं नहीं नहीं, इतनी सी बात के लिए ले लीजिए सर प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं, तुम मेरे भाई की तरह हो। ओके शिवा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। चलता हूँ सर। नमस्ते सर। हाँ गोविंद जी सर। एक मिनट, इसकी क्या जरूरत थी? प्लीज रख लो। भैया कल जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ कोई नहीं था, और आज यहाँ आराम से टपरी डाल के मछली फ्राई की जा रही है। आपने कुछ मिस्त्री लोगों को बुलाया था क्या? मैंने तो किसी को नहीं बुलवाया। फिर ये सब लोग कौन है? रुको मैं जाके देखता हूँ। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, ऐसे लोगों के साथ ही मैं पला बड़ा हूँ, नहीं समझे? क्लासमेट्स है, मैं जाके बात करता हूँ। वो तो सही है। वो पेपर दिखा ना जरा। ये ऑपरेशन के मिलने की तरह वापस क्यों आ रहा है? इधर इधर इधर। क्या हुआ जीजा जी? रायपुर में किसी डेविड से मिलने कह रहे हैं। आपने तो कहा था कि ये सारे आपके ग्लासमेट्स हैं। अरे ये लोग नशे में है ना, इसीलिए मुझे पहचान नहीं पाए। पहचान नहीं पाए? हाँ नहीं पहचान पाए। आपकी घड़ी और अंगूठियाँ कहाँ चली गई? ये लोग शादी में जा रहे थे ना, इसीलिए मैंने इन्हें गिफ्ट दे दिया। अरे दिख नहीं रहा, इन लोगों ने मुझसे छीन लिया। मैं जाता हूँ, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। तुम चुप करो भैया, मैं देख कर। सीधे डेविड से जाकर मिलना ही बेहतर है। नमस्ते सर, मेरा नाम शिवा है। अन्ना नगर की तीसरी गली में मैंने 5 एकड़ जमीन खरीदी है, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो 8-10 लोगों ने कब्जा कर रखा है। उनसे बात की तो आपसे मिलने के लिए कहा। उस जमीन को जल्दी खाली करवा दीजिए ताकि कल से काम शुरू कर सकूं। बस यही बताने आया था। चलता हूँ सर।
ए, डेविड भाई के सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, बोलना। अरे बोलना। बोल। बोलता क्यों नहीं? भगवान, इस पाप के लिए मुझे माफ कर देना। कर रहा है? तेरे बारे में पूछताछ की थी। दूसरों की जमीन छीनना और उसे किसी तीसरे को बेच देना, यही तेरी कमाई का जरिया है ना? क्यों, ईमानदारी की रोटी हजम नहीं होती? अब मैं चलता हूँ। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, जरा एक मिनट, दोस्त को आपसे इंट्रोड्यूस करवाना था। ओह यस, दास। हाँ बोलो शिवा। सर ये दास है, फ्रॉम कनाडा। आपके बारे में शिवा ने फोन पे बहुत कुछ बताया है। हाँ? शिवा की कंपनी में लीगल एडवाइजर बनकर आपको इसका छोटे भाई की तरह ख्याल रखना होगा सर। श्योर, थैंक्स सर। ये लो शिवा। सर आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव पास में ही है, यालपानम के पास, वलवट्टी तुरे। मेरा बचपन वहीं पर गुजरा है। प्रभाकरण सर वहीं पर रहते ना? हाँ। ओह, तब तो फिर जरूर ही आपका और एलटीटी का लिंक होगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं बस वहाँ का रहने वाला हूँ। शिवा, तुम्हारे पॉकेट में कितने पैसे? वेट, ये मेरे लिए काफी है शिवा, अभी तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम बिजनेस करके बड़े आदमी बन जाओ, फिर मैं ही ले लूंगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर, चलता हूं मैं। मैं इस एरिया का गुंडा हूं, ये बात सबको पता है, लेकिन मैं भी ईमानदारी की रोटी खाना चाहता हूं। तुम्हारे पास मेरे लायक कोई काम है? इस बैग में पैसे हैं, ये मटेरियल की लिस्ट है, तुम्हारे आने जाने के लिए मेरी गाड़ी है, आज से मेरी कंपनी का सारा काम तुम संभालोगे। शिवा सर? सर की जरूरत नहीं है, सिर्फ शिवा बुलाओ। मैं तो तुम्हारा दुश्मन था ना, काम मांगा तो तुमने तुरंत दे दिया, कभी धोखा देकर तुम्हें जान से मार दिया तो तुम क्या करोगे? सोच के देख लो। दुश्मन पर भरोसा करूंगा, लेकिन धोखेबाज पर नहीं, तुम पर भरोसा है। तुम वाकई एक अच्छे आदमी हो। तुम भी। ठीक है भाई। सर, भाई बहुत अच्छा है सर, थोड़ा ख्याल रखिएगा सर। ठीक है सर, अपना ख्याल रखना भाई।
क्या बात है, तुम काफी उदास नजर आ रहे हो, कोई टेंशन? कुछ नहीं डेविड, कनाडा से जो मैं 2 करोड़ लाया था उसके बावजूद दास से 1 करोड़ रुपए लिए थे, सब के सब खत्म हो गए। हम नए प्रमोटर्स हैं इसलिए प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं होगा कोई बायर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। अभी 1 करोड़ और चाहिए तभी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। शिवा, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। कौन सी जगह डेविड? शक मत करो शिवा, कोई गलत जगह नहीं है, तुम्हें लोन चाहिए ना, तो चलो। अरे डेविड भाई आ गए। भाई मुझे तो बहुत मुनाफा हुआ। सर जी क्या बात है? डेविड भाई आ रहे हैं। मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे तू निकल, जाकर कहीं छुप जा। अरे भैया ये खुल क्यों नहीं रहा? नमस्ते सर जी। नमस्ते, बैठिए। बिजनेस पहले की तरह नहीं है, बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है। ये चेन नकली है, ये बस भी बहुत नकली हो गया सेठ, ड्रामा बंद करो। मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैंने गुंडागर्दी छोड़ दी, मैं फिलहाल किसी दूसरे काम से आया हूँ। पहले तुम अपने छुपाए हुए गहने तो पहन लो। डेविड सर से कुछ छुपा नहीं सकते, सब जानते हैं। ये मेरा दोस्त शिवा है। नमस्ते। ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के नाम से एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं, मैं इनके पास ही नौकरी करता हूँ। क्या चाहिए बोलिए। जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसकी लागत करीब 4 करोड़ है, प्रोजेक्ट लगभग तैयार ही है लेकिन अभी 1 करोड़ की शॉर्टेज हो गई है। शिवा पेपर्स दिखाओ। इन पेपर्स को अपने पास गिरवी रख के अगर आप 1 करोड़ दे देंगे तो ब्याज के साथ अगले महीने लौटा देंगे। ये लीजिए। इतना मत सोचो सेठ, छोटी सी हेल्प की तो बात है। अरे बेटा। हाँ पापा। वो A1 पार्सल जरा लेकर आना। अभी लाया। आप चाय पियेंगे? नहीं शुक्रिया सेठ जी। और आप? नो थैंक्स। लेकिन मेरे घर की चाय बहुत अच्छी होती है। आओ बेटा। पापा ये पार्सल इसके ऊपर रख दो, बराबर है, जरा गिन कर देख लो। उसकी कोई जरूरत नहीं सर, डेविड ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा। और हमें भी आप पर भरोसा है। ये लीजिए पेपर। गारंटर के तौर पर डेविड काफी है या किसी और को बुलाना पड़ेगा? अच्छों के साथ एग्रीमेंट की क्या जरूरत है, और बुरे लोगों के साथ एग्रीमेंट करने में फायदा नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है, डेविड को तुमने अच्छा इंसान बना दिया, इससे बड़ी गारंटी ये पेपर थोड़ी है। इसे वापस ले जाओ। शुक्रिया सेठ जी। शुक्रिया किस लिए डेविड, बस जरा खर्चा मुनाफा का हिसाब सही तरह से लगाना, जितने भी पैसे चाहिए होंगे मैं सब दूंगा डेविड के लिए। शुक्रिया सर। ठीक है। शुक्रिया सेठ। नमस्ते सर। नमस्ते। मामा मासी का फोन आ रहा है। इसे पकड़ो। हेलो बेटा, मैं बड़ी मौसी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मौसी। तुम्हारी माँ ने लड़की देखने के लिए फोन किया था, मैंने लड़की ढूंढ ली है, बहुत ही सुंदर है। साले साहब, जब इतना बोली दिया है तो चल के लड़की देख ही लेते हैं ना। ओए बेहतर होगा आप अपना मुंह बंद रखिए। जी बेटा जी। क्यों जी है? आपका बेटा आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है और आप उससे इतनी मिठास से बात कर रहे हैं, कैसी परवरिश की है बेटे की? क्या कहा? कैसी परवरिश की है बेटे की? परवरिश के बारे में मुझे तुम सिखाओगे? ये हम जैसे माँ बाप के समझने वाली बात है, हमारी वजह से ही बच्चे पैदा होते हैं, हमारे लिए बच्चे पैदा नहीं होते, जीवन जीने के लिए पैदा होते हैं। माँ बाप के नक्शे कदम पर बच्चे चले ऐसा जरूरी नहीं है, बच्चों को समझकर माँ बाप को चलना होता है। ये सब छोड़ो, ये करो वो मत करो, ऐसी कमी बताते रहोगे तो इस भागती दुनिया में खुद पर भरोसा और हिम्मत बच्चों में कैसे आएगी? तुम ही बताओ, अगर घर से बाहर कोई बाप जाता है तो पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे? बच्चों को ऐसा लगना चाहिए, ऐसा नहीं पापा आ जाएंगे करके डरना नहीं चाहिए। उन्हें खुद सब समझने दो, अच्छा क्या है बुरा क्या है बच्चों को खुद जानने दो। वो आकर बोले पापा तो आपको खुश होना चाहिए, उन्हें अपना फ्रेंड समझना चाहिए। और तुम बकवास कर रहे हो। ही कह रहा था। चल निकल निकल। अरे निकल। पापा। हाँ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? पापा पूछ रहे हैं ना, रो क्यों रहे हो? सॉरी पापा। तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रहे हो बेटा? आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगा पापा। अरे वो बेवकूफ है, कुछ भी बोल गया, उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। पापा सॉरी पापा, माफ कर दीजिए पापा, मैं आगे से आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगा पापा, सॉरी पापा। बेटा ये लड़की के पिताजी हैं। नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए। बेटा वो जो आ रही है ना वही लड़की है।
लड़की पसंद आई तुझे? इस लड़की से मेरी शादी आज ही होगी मौसी। तू आज ही शादी कर लेगा? हाँ मौसी। रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाए क्या? ससुर जी क्या है, माता पिता और गुरु को देवता कहते हैं ना? हाँ कहते हैं। लड़की की माता नहीं है ना? नहीं माता नहीं है। गुरु और पिता आप हैं तो फिर देवता की क्या जरूरत है ससुर जी? अब सही कहा। इसलिए हमारी शादी आज ही होगी। हाँ बिल्कुल होगी। हेलो सर, कनाडा से स्वामीनाथ नाम के एक कस्टमर का फोन है। फ्लैट खरीदने के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। लाइन पर हैं, आपसे कनेक्ट कर दूं? हाँ कनेक्ट कीजिए। ओके सर। हेलो, कैन आई टेक टू मिनट्स ऑफ योर टाइम मिस्टर शिवकुमार? या श्योर सर। ओके, पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। देखिए मेरे मॉम डैड पैदा हुए और पले बढ़े इंडिया में ही, बट मैं नॉट लाइक दैट, सब कुछ कनाडा में, बॉर्न ब्रॉट अप एजुकेशन एवरीथिंग। और कई दिनों से मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं कि हम सब इंडिया वापस चलकर वहीं पर सेटल हो जाते हैं। सो आई थॉट इंडिया में थोड़ी प्रॉपर्टी खरीद लूं। और जब मैंने वेब पर देखा तो मुझे आपका लेटेस्ट 6 माले वाला 6 फ्लोर प्रोजेक्ट क्वाइट इंटरेस्टिंग दिखा। उसकी डिटेल्स आप दे सकते हैं क्या? प्रोजेक्ट का लोकेशन पलावरम है। टोटली 6 फ्लोर्स, 1 फ्लोर पर 8 फ्लैट्स हैं, 1500 स्क्वायर फीट ईच, सो टोटली 48 अपार्टमेंट्स। 48 मतलब 17, या हमें तो अराउंड 14 फ्लैट्स की जरूरत होगी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है उसमें, लीगल सॉर्ट ऑफ इशू। मैं, मेरे बच्चे सारे कैनेडियन सिटीजन्स हैं, सो बस अभी ड्यूअल सिटीजनशिप अप्लाई की है, उसमें 6 महीने तो लगी जाएंगे पेपर वर्क के प्रोग्रेस होने में। अब ये बताइए कि प्रॉपर्टी पहले मेरे सिस्टर के बेटा के नाम पर करके फिर उसके बाद 6 महीने बाद प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर सकते हैं? एग्रीमेंट में ऐसा एक क्लॉज डाल सकते हैं क्या? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा खुद का लीगल डिपार्टमेंट है, उनसे पूछकर क्या किया जा सकता है वो कर दिया जाएगा। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके दैट्स नाइस। वन मोर रिक्वेस्ट, मेरी सिस्टर का बेटा करण अभी आपके ऑफिस में ही बैठा हुआ है, ही जस्ट रैंग मी एंड टोल्ड मी, आप जरा एक बार उससे मिल लेंगे और ये सब चीजें अगर उसे बता देंगे तो वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके मैं उनसे मिल लेता हूँ। वहाँ रिसेप्शन पर करण नाम का कोई है क्या? हाँ, यस सर। उन्हें अंदर भेज दीजिए। मिस्टर करण। ओह यस मैम, आपको अंदर बुला रहे हैं। ओके मॉर्निंग सर। आइए करण। यस सर। मिस्टर स्वामीनारायण से सारी बातें हो गई, वो हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सुनो राधा सर, आपने पलवरम प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स इन्हें बता दो। ओके सर। एंड अनदर थिंग, मिस्टर ईश्वर का अपॉइंटमेंट भी ले लो। ओके श्योर सर। आइए। यस मैम। नमस्ते सर। नमस्ते, आपकी तारीफ। मैं नगर पालिका के ऑफिस से आ रहा हूँ। वाटर टैक्स, हाउस टैक्स भरा आपने? हाँ, वो सब तो मैंने कब के भर दिए हैं। ठीक है तो एक बार बिल लेके आइए, मुझे चेक करना है। बिल? हाँ बैठिए, मैं लेकर के आता हूँ। ओके ये लीजिए सर। ये जमीन और घर किसके नाम पे है? मेरे ही नाम पर है। ओ, ये सब आपका कमाया हुआ है या माँ बाप का दिया हुआ है? ये सब मैंने अपनी कमाई से खरीदा है। कितने वारिस हैं आपके? एक बेटा और 2 बेटी हैं, और वो विदेश में रहते हैं। ओके सर, एकदम परफेक्ट है। हाँ ठीक है। इसमें जहां जहां भी मार्क है वहां साइन कर दीजिए। ये क्या है? आपका वेरिफिकेशन हो गया है, कलेक्टर और मेयर को इसकी कॉपी भेजनी है उसी के लिए। आजकल नकली पेपर्स बनाकर जायदाद बेचे जा रहे हैं, उसे रोकने के लिए सरकार ने एक जियो पास किया है,
आजकल फॉर्जरी करने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। एकदम ठीक कहा सर आपने। हाँ, कहाँ साइन करना? यहाँ कर दीजिए। एक यहाँ पे। चलता हूँ सर। हाँ। सर हाँ? वो क्या है ना कि ईसीआर रोड पर प्रॉपर्टी के दाम बहुत कम हो गए हैं। हाँ। भाई बोलो। ईसीआर रोड की प्रॉपर्टी क्लियर। हाँ बोल। ये वो ऑफिसर तो चल बसा, अब अपने लड़कों को वहां भेज दो। गुड। क्या हुआ? क्या हुआ शिवा? कुछ नहीं सर, पहले तो मुझे दारू पीने वाले ही पसंद नहीं थे और आजकल तो शाम होते ही मैं खुद पीना शुरू कर देता हूँ। यही सोचकर मुझे हंसी आ रही थी। शिवा पहले अच्छी तरह कमाना चाहिए, उसके बाद जी भर के पीना चाहिए। राधा और ऐश्वर्या जैसी सुंदर लड़कियों को खूब प्यार करना चाहिए। अभी ऐश नहीं करेंगे तो उम्र निकल जाने पर ऐश करेंगे। हा? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? सर उम्र से अय्याशी का थोड़ी ना लेना देना होता। मजाक उड़ाती है मेरा। Excuse me. या प्लीज। हेलो सर, शनमुगम आप शिवा बोल रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। सर ईसीआर रोड वाली जमीन के लिए आरके बिल्डर्स ने एडवांस दे दिया है। क्या कह रहे हो, तुम तो कह रहे थे कि डील करवा दूंगा। हाँ कहा तो था सर, लेकिन वो तुम भी ना यार। चलो ठीक है, फोन रखो। शिवा कौन था फोन पर जो तुम परेशान हो गए? वही सर, लास्ट वीक एक लीगल डॉक्यूमेंट देखने के लिए आपको भिजवाई थी ना। कौन सा डॉक्यूमेंट? वही सर, एसीआर रोड पर जो 2 एकड़ जमीन थी ना उसके। अरे हाँ याद आया, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वो तो। वो आरके बिल्डर्स है ना, उन्होंने उसका एडवांस दे दिया है। ब्रोकर शनमुगर ने बताया फोन करके। शिवा वन सेकेंड। हेलो ओ वन सेकंड। शिवा कोई भी कीमत हो चलेगा ना, कल के कल वो जमीन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए। राइट ओके ठीक है। Bye. Shiva, are you happy now? Thank you very much, sir. Hey, no thanks, okay? तुम मेरे क्लाइंट नहीं हो शिवा, यू आर माई ब्रदर, मेरे छोटे भाई हो। थैंक यू। यू नो मेरे भाई हो तुम। थैंक यू सो मच। तुम्हारी इच्छा अगर पूरी ना कर सका तो तुम्हारे साथ रहने का क्या फायदा है मेरा? Shit. क्या हुआ पुष्पेंद्र जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ, perfect, sir. Okay. काफी हो गया। गुड नाइट। ओके सर संभाल के। संभल कर सर को घर तक छोड़ दो। ठीक है। शिवा मोबाइल टेक सिगरेट। चलो ओके गुड नाइट। हेलो करण, मैं राम कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, कैसे याद किया आपने? मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम है। जी बोलिए। एशिया रोड पर 2 एकड़ की एक जमीन की मैंने बात करके रखी थी। एग्रीमेंट के आखिरी टाइम पर जमीन के मालिक ने एक्स्ट्रा 1 करोड़ की डिमांड कर दी, तो मैंने टेंशन में आके कह दिया कि मुझे तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए। उसके बाद पता चला कि मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के शिवा ने वो जमीन खरीद ली है।
ये बात सुन के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि रामकुमार बिजनेस में वीक हो गया है और शिवा बहुत डेवलप हो गया है। रामकुमार जिस जमीन को नहीं खरीद पाया उसे शिवा ने खरीद ली। ऐसे कमेंट करके लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं जो मैं सह नहीं पा रहा हूँ। मेरी नींदें हराम हो गई है। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो जमीन। चिंता मत कीजिए सर, कल जमीन के पेपर्स आपके घर पर पहुँच जाएंगे। शिवा कौन है यहाँ पर? मैं हूँ, क्यों? सुना है एसीआर में 2 एकड़ जमीन ली है, वो करण को चाहिए। कल रजिस्टर ऑफिस में करण जिसके नाम पर बोलेगा उसके नाम कर देना। ये करण कौन है? तुम्हारा टाइम अगर सही होगा तो उससे कभी नहीं मिलोगे, और अगर टाइम सही नहीं है तो उससे अभी मिलोगे। जाओ डेविड, गेम कंटिन्यू करो। ए, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। शिवा मेरा क्लाइंट। भैया आओ। कुमार बैठो। डेविड भाई ने मुझे फोन करके बोला कि आपने मुझे बुलाया है। सुधा। हाँ, बोलिए। उस टेबल पर एक लिफाफा है, उसे लेकर आओ। हाँ, रुकिए, लाती हूँ। ये लीजिए। इसमें चेक है। ओके भैया। अपनी टी नगर की साइट के पास कार शोरूम है ना? हाँ है। वहाँ जाना, वहाँ मैनेजर दामोदर मिलेंगे। अच्छा ठीक है, उन्हें ये चेक दे देना। क्यों भैया? तुम्हारे लिए, डेविड के लिए कार बुक की है। डेविड को किस रंग की कार चाहिए उसने सिलेक्ट कर लिए। तुम भी अपना कलर सिलेक्ट कर लेना, 2 दिन में कार आ जाएगी। थैंक्स भैया। भैया मैं आपको बताना भूल गया, सुबह क्लब में जो करण नाम का आदमी आया था ना, हाँ, फिर पता चला वो ईश्वर सर का भाई है। क्या कहा, वो ईश्वर सर का भाई है? जी भैया, वो ईश्वर सर का सगा भाई है, ये बात मुझे क्लब मैनेजर ने बताई। सिर्फ इतना ही नहीं भैया, ईश्वर सर और करण का ये जो रिश्ता है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं भैया। हेलो भैया, मैं चलता हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हेलो, नाइस टू मीट यू, बैठिए। थैंक यू। कहिए सर। वो 4 महीने पहले मैंने आपसे फोन पर बात की थी, आपको याद है? हाँ याद है ना सर। मैंने आपसे 14 फ्लैट खरीदे हैं अपने भांजे के नाम पर। हाँ जी, आपकी दीदी के लड़के विमल के नाम पर ही ना। उस बारे में कुछ लीगल बातें मैंने फोन पर कही थी, वो भी आपको याद है? वही ना, कि पहले उनके नाम पर एग्रीमेंट बनाना था और उसके 6 महीने बाद आपके नाम पर एग्रीमेंट बनाना था, यही ना? हाँ बिल्कुल। वो तो हो गया ना सर। आपने वो एग्रीमेंट देखा था क्या? मैंने तो सब कुछ पढ़कर ही साइन किया था। अभी वो एग्रीमेंट मैं देख सकता हूँ? नो प्रॉब्लम। सर। राधा, अपने पलावरम प्रोजेक्ट की जो फाइल है ना उसे जरा लेकर आना। ओके सर। सर फाइल। सभी ने मुझे धोखा दिया है सर। क्या बात कर रहे हैं सर, किसने धोखा दिया? जरा इस एग्रीमेंट को पढ़कर देखिए। सॉरी, इस एग्रीमेंट में तो आपका नाम ही नहीं लिखा है सर। सर उस एग्रीमेंट को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा था और उसके बाद ही उस पर साइन किए थे। लेकिन ये वो एग्रीमेंट नहीं है सर। शिवा सर, आपने मुझे जो 14 फ्लैट बेचे थे ना, उसमें से 7 फ्लैट लीगल एडवाइजर के बिनामी नाम पर हैं। बाकी के 7 फ्लैट पता नहीं किन किन के नाम पर हैं। सर जरा एक मिनट रुकिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई। सर आपने जो मुझे फ्लैट्स बेचे उनकी कीमत क्या थी, बता सकते हैं? 75 लाख रुपीस।
ब्लैक में या व्हाइट में? सर मेरे सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हाइट में ही होते हैं। मैंने आपके एक फ्लैट के लिए जो कीमत चुकाई है वो पूरे 1 करोड़ है। 75 लाख व्हाइट में और 25 लाख रुपए ब्लैक में दिए हैं। सिर्फ मैंने ही नहीं, आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाले हर कस्टमर के लिए यही कीमत थी, 75-25। मुझे लगा आपने हमें धोखा दिया है, इसीलिए आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में मैंने छानबीन की, तब जाकर मुझे ये बातें पता चली। और सिर्फ इतना ही नहीं सर, आपसे पहली बार जब बात हुई थी तो आपने 6 फ्लोर कहा था, लेकिन कॉर्पोरेशन ने सिर्फ 5 फ्लोर बनाने की परमिशन दी। सर बाकी बातों को अगर मैं सच मान भी लूं, लेकिन छठे माले का अप्रूवल तो मैंने खुद कॉर्पोरेशन से लिया था। लेकिन हकीकत यह है कि आपके पास सिर्फ 5 फ्लोर का अप्रूवल है। ऐसे कई धोखे आपकी कंपनी में आपके साथ किए जा रहे हैं। अब मुझे धोखा मिला है तो मैं तो कोर्ट जा रहा हूँ। और अब 1 फ्लोर एक्स्ट्रा बनाने के लिए, ब्लैक मनी के लिए और ऐसी कई बातों के लिए सिर्फ आपको ही जवाब देना होगा सर। चलता हूँ। शिवा सर, मुझे एक डाउट है, अगर आप बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ? आपने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है तो आप इन जरूरी बातों पर ध्यान देना कैसे भूल गए? भरोसा सर, सब पर भरोसा जो किया मैंने। ये शब्द धंधे में बेवकूफ लोग बोलते हैं। ये सारी दुनिया उन्हीं बेवकूफों से भरी है सर। अगर ईमानदार लोग बेवकूफ होते हैं तो मैं भी उनमें से एक हूं। एनीवे, सॉरी, मैं चलता हूं। स्वामीनारायण सर, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। 2 दिन का टाइम दीजिए मुझे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं ही सॉल्व कर दूंगा। मेरा भरोसा करके आए थे आप, आपको धोखा नहीं मिलेगा। आपको जो भी परेशानी उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ओके। हाँ शिवा बोलो। डेविड अभी तुम गाओ? मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, बोलो। तुम तुरंत कॉर्पोरेशन ऑफिस जाओ और ये पता करो कि हमें पलावरम प्रोजेक्ट के लिए कितने फ्लोर का अप्रूवल मिला था। ओके शिवा। राधा, हमारी कंपनी के खरीदे साइट्स, बेचे फ्लैट्स, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, पेमेंट डिटेल्स, एग्रीमेंट, इन सब की फाइलें कहाँ पर है? सब कुछ इस कबर्ड में है सर। ओके, तुम 5 मिनट के लिए बाहर जाओ। Excuse me. Door close कर दो जरा। Okay sir. मिस्टर गंगाधर। हाँ जी, आप कौन? मैं कुमार बोल रहा हूँ, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी से। हाँ बोलिए सर। वो आपने हमारी कंपनी से 75 लाख में फ्लैट लिया था ना, उसमें से सिर्फ 65 ही दिए हैं, बाकी के 10 लाख अभी तक बैलेंस है, तो ये पूछने के लिए फोन किया कि वो कब मिल रहे हैं। सर कुमार, क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैंने आपको पूरा पेमेंट एक बार में क्लियर कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 75 लाख व्हाइट में और 25 ब्लैक दिया है, टोटल 1 करोड़ रुपीज। आई थिंक आपने रॉन्ग नंबर पे फोन किया मिस्टर कुमार। आप गंगाधर ही बोल रहे हैं ना? सर मैं के गंगाधर हूँ। चेक किया डेविड? हाँ, उसका 5 फ्लोर का अप्रूवल है। तो फिर उस 6 फ्लोर का अप्रूवल नहीं है शिवा, वो डुप्लीकेट अप्रूवल था, हमें धोखा दिया गया है।
फिर आ गया। मैं संभाल लूंगा। हेलो गोविंद, मैं ईश्वर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना सर। कहाँ पर हो तुम? मैं अपने एरिया के पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ सर। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ वो हमने पल्लावरम में एक बिल्डिंग बनाई थी ना। पल्ला? हाँ हाँ, कामरा स्ट्रीट में। हाँ सर वही, और उसकी परमिशन अपने एरिया के काउंसलर मूर्ति ने दिलवाई थी ना। हाँ बोलो। उसने 5 फ्लोर की बजाय हमें 6 फ्लोर तक की परमिशन दिलवाई, जो गलत डॉक्यूमेंट थे। ये बात शिवा सर को पता चल गई है, इसलिए अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में मैं कंप्लेंट लॉन्च करवाने जा रहा हूँ सर। ये बात है, ठीक है तुम पुलिस स्टेशन जाओ, बाकी की बात मैं शिवा से कर लूंगा। हेलो हेलो शिवा, हम कमिश्नर ऑफिस से बोल रहे हैं, आपके नाम पे कंप्लेंट आई है, फौरन कमिश्नर ऑफिस पहुंचिए। क्या कहा? कमिश्नर ऑफिस? हेलो हेलो, हेलो हेलो, ये कमिश्नर ऑफिस है क्या? क्या कहा? कमिश्नर ऑफिस, ये स्टेशनरी है, चल फोन रख। आप सब कौन हैं? हम सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। सर यहाँ पार्थ सारथी कौन है? मैं ही हूँ। सर करीब 1.5 साल पहले तांबर वाली रोड पर 5 एकड़ की जमीन बेची थी क्या? हाँ बेची थी। 1 एकड़ किस हिसाब से बेची थी? क्यों वो कहानी फिर याद दिला रहे हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए और बेटे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई थी, तो मैंने ब्रोकर शनमुगम से कहा कि मेरी इस जमीन को बिकवा दो। उसने कहा मैं कुछ करता हूँ और मेरी जमीन के पेपर्स के जेरोक्स कॉपी लेकर गया। तो आपने उस ब्रोकर को 1 एकड़ का कितना बताया था? 1 एकड़ का 25 लाख बताया था। उसके बाद शनमुगम ने 4 दिन बाद ही मुझे फोन किया और कहा कि आपकी जमीन के कुछ लोग नाप ले रहे हैं। है, आप लोग कौन है और मेरी जमीन का आप लोग नाप क्यों ले रहे हैं? अंकल जी, इस जगह पर रेलवे ट्रैक बिछने वाली है, अभी एक गवर्नमेंट के पोजीशन में है, इसीलिए नाप ले रहे हैं। तो फिर मेरी जमीन के पैसे? अंकल जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट का रेट होगा। आपके पास टोटल कितने एकड़ है? 5 एकड़ और 5 स्क्वायर फुट, मतलब आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। उस दिन ऐसा कहकर गए थे। फिर उसके बाद एक दूसरा ब्रोकर आया, उसने कहा कि आपकी जमीन के पास वाला एक ओनर आपकी जमीन को खरीदना चाहता है, सिंगल पेमेंट मिलेगी। उसने कहा 25 लाख ले लो और जमीन को छोड़ दो। तब मैंने ब्रोकर से कहा कि वहां पर तो रेलवे ट्रैक बिछने वाली है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरी जमीन खरीदने वाले नेता लोग हैं, बड़ी पहचान वाले हैं, वो सब देख लेंगे। मैं फिर भी सोच में था, लेकिन मेरे बीवी बच्चों ने कैसे भी मुझे मना लिया। जमीन बेचने के बाद मुझे पता चला कि उसे किसी नेता ने नहीं खरीदी और ना ही रेलवे ट्रैक बिछने वाली है, उसे खरीदने वाला तो कोई मॉडर्न कंस्ट्रक्शन का शैतान है। मुझे धोखा देकर मेरी जमीन पर बिल्डिंग खड़ी कर दी। मेरा श्राप है उसके लिए, वो कभी खुश नहीं रहेगा, सत्यानाश हो जाएगा उसका। हम जैसे लोगों का श्राप खाली नहीं जाएगा। पैसों के लिए धोखा देता है वो शैतान, कभी सुखी नहीं रह सकता। देख लेना कीड़े पड़ेंगे उसे, बदुआ लगेगी मेरी। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, मैंने ये सारे लेटर्स खोलकर पढ़ लिए हैं, ये सब की सब शिकायतें हैं सर, वो भी सिर्फ एक ही आदमी के नाम से। किसके नाम से? सर मॉडर्न कंस्ट्रक्शन ओनर शिवा के नाम से। हेलो हेलो मिस्टर शिवा। हाँ जी, मैं आईजी ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपके नाम एक कंप्लेंट आई है, आप ऑफिस पहुंचिए, आपसे पूछताछ करनी है। हेलो, अभी मुझे इस नंबर से फोन आया था, ये आईजी ऑफिस है क्या? क्या कहा? आईजी ऑफिस? ये एमबीएम स्टूडियो है सर। जी हाँ सर, रेड हिल्स के पास 11 एकड़ की जमीन मेरी ही थी, लेकिन अभी वो नहीं है, बेच दी। सर अगर आप बुरा न माने तो आपने वो जमीन कितने में बेची थी ये बता सकते हैं? मैंने उसका 1 करोड़ बोला था। शनमुगम नाम का एक ब्रोकर था, पार्टी से बात करने के लिए पेपर्स के जीरोक्स लेकर गया था। उसके 4 दिन बाद उसने फोन किया, सर आपकी जमीन पर सर्वे कर रहे हैं, तुरंत जाइए नहीं तो जमीन से हाथ धो बैठे। साले फ्रॉड इंसान, खड़ा। अरे हाथ हटाओ, क्या जानना चाहते हो तुम?
यही कि मैं धोखेबाज हूँ ना? हाँ, धोखा दिया है। बार सारथी वाली जमीन पर रेलवे ट्रैक बिछने वाली है, ऐसा झूठ बोला था। रेड हिल्स में पुलिस ट्रेनिंग होगी, ये भी मैंने झूठी कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, कई झूठ बोले हैं मैंने। आपको याद है, इनके पास मैं कई अच्छी जमीनें लेकर गया था, लेकिन ये हर बार मुझे वकील के पास भेज देते और वो अपनी वेरिफिकेशन के नाम पर अपना हिस्सा मांगता था मुझसे, और उसका फायदा ना हो तो प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देता था। अगर मैं उस वक्त आकर आपको सच्चाई बताता तो मेरा विश्वास करते? पता है शिवा को क्या कहता है वो? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। कहता था मुझे भी खाने दे और तू भी खा, अगर ऐसा नहीं किया तो तू जो भी जमीन लाएगा मैं उसे रिजेक्ट करता जाऊंगा। मेरी बात शिवा सर नहीं मानते तो क्या करता? ओए, सिर्फ तू ऐसा कह रहा है। बार उनके बारे में लोग तारीफों के पुल बांधते हैं। कस्टमर जिनकी हालत बुरी होती उनसे एक पैसा नहीं लेते। क्लाइंट अगर अमीर हुआ तो भी फीस की डिमांड नहीं करते। उनके ट्रस्ट में कितने सारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं और तू उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा है? बुरी हालत में फंसे लोगों का केस फ्री में लड़ते हुए देखा क्या तुमने? अरे रईस छोड़ो, गरीबों से भी एक पैसा नहीं छोड़ता वो। गरीब बच्चों को पढ़ाने वाला ट्रस्ट क्या सच में है, कभी देखा है क्या तुमने? या वो कभी लेकर गया है क्या? वो एक नंबर का लालची है सर। अगर क्लाइंट से पैसे मिलने की उम्मीद बन जाए तो गलत रास्ते से वो केस जीतता है। अगर उसे लगता है कि केस में उसकी हार होगी तो वो किसी भी हद तक गिरने से नहीं हिचकिचाता। सरल भाषा में कहूँ तो इंसान के भेष में शैतान है वो। धोखा देना उसकी फितरत है और ये काम वो बरसों से करता आया है। उसकी नजरों में शिवा सर पढ़े लिखे बेवकूफ है। आपको और इन्हें लगता है कि ये बहुत मशहूर है, लेकिन सच तो ये है कि इनकी कंपनी और इनका नाम बाहर बहुत बदनाम है। नमस्ते सर। हाँ बोलो। कंप्लेंट है सर। किसके नाम की? सर मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के MD शिवा के नाम। इनकी कंपनी और इनका नाम बाहर बहुत बदनाम है। अच्छा नाम कमाकर वापस आना बेटा। जरूर माँ। इनकी कंपनी और इनका नाम बाहर बहुत बदनाम है। अच्छा नाम कमाकर वापस आना बेटा। हेलो, इज इट मिस्टर शिवा? या मैं CBI से बालकृष्णन बोल रहा हूँ। क्या आप इसी वक्त मेरे ऑफिस आ सकते हैं? क्यों? आपके नाम की काफी कंप्लेंट्स हैं, इंक्वायरी करनी है। अगर इस नंबर पर दोबारा कॉल किया तो तुझे दोबारा कॉल करने लायक नहीं छोड़ूंगा। शिवा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम CBI। hey, फोन रख भाई। शिवा, शिवा। hey, तूने इनको कैसे हाथ लगाया? बीच में मत आ, चल निकल। मेरी माँ जब भी मुझसे कुछ कहती तो मैं उससे 10 तरह के सवाल पूछा करता, लेकिन तेरी हर बात को मैंने आंख मूंद कर मान लिया और तूने मुझे धोखा दिया। सुन ले, अगर 2-3 दिनों के अंदर तूने मुझे सारा पैसा वापस नहीं दिया तो फिर तू इस दुनिया में ही नहीं रहेगा। तुझे अपना बड़ा भाई कहा था मैंने। ईश्वर सर, मैं उनका PA बोल रहा हूँ। क्यों भाई, ईश्वर को ज्यादा ही मीटिंग में बिजी है। से कहो शहर का पुलिस कमिश्नर फोन पर है। सर, साहब को किसी ने मारा है। क्या मारा उसे? कौन था वो? मैं लॉ मिनिस्टर बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मैंने सुना ईश्वर पर किसी ने हाथ उठाया। जो आपने सुना बिल्कुल सही है सर। सर, मैं उनका PA बोल रहा हूँ सर। मैं जज सत्यमूर्ति बोल रहा हूँ। ईश्वर सर पे किसी ने हाथ उठाई है, सच है? जी हाँ सर। आप फोन देना उन्हें। सर, जज सत्यमूर्ति जी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ सर। अरे ईश्वर, कोई लफड़ा हुआ क्या? मैं कुछ करूँ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, चिंता मत कीजिए, संभाल। कोई प्रॉब्लम है तो बोलना। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके ठीक है। ओके शिवा, अचानक कैसे आना हुआ? विजय सर, मुझे अपनी कंपनी की टोटल अकाउंट डिटेल्स अभी चाहिए। आप बैठिए, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। ओके। भाई,
शिवा भैया पलट और उनको काट डाल। काट दिया भैया। करना चाहते थे हाँ? बोलो क्या बात है? सर आपने मुझे किस जुर्म में अरेस्ट किया क्या मैं ये जान सकता हूँ? सही समय आने पर मैं बता दूंगा। लगता नहीं आपकी ईमानदारी गवर्नमेंट के साथ है, रुपयों के साथ लगती है। इस काम को करने से बेहतर है कि किसी मंदिर में बैठकर भीख मांगिए। क्या क्या कहा तूने? रास्कल, जबान संभाल कर, जानता है मैं कौन हूँ? आपके थप्पड़ को मैं भूल जाऊंगा, लेकिन जिसने आपको थप्पड़ मारने के लिए कहा उस आदमी को मैं कभी नहीं भूलूंगा। सीबीआई ऑफिस में आप किससे मिले थे? ऑफिस के बाहर जब बात कर रहे थे तो अंदर से एक ऑफिसर ने आकर हमें निकाल दिया सर। सॉरी सॉरी, मेरा फोन बज रहा है, मैं भी बात करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी, अभी आती हूँ। हेलो हेलो, तू? ये लोग मुझे मिस्ड कॉल देते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती क्या? सीबीआई ऑफिसर बाला कृष्णा है। सीबीआई ऑफिसर का यहाँ पर क्या काम है? मैं ईश्वर बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए ईश्वर जी। अंदर कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं क्या है। आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? ये जानना था शिवा को अरेस्ट करके क्यों रखा हुआ है। वो अभी किसी को नहीं बताया जा सकता सर। अभी पता लगाती हूँ। मिस्टर बालकृष्ण समझने की कोशिश कीजिए, शिवा मेरे भाई की तरह है, इसलिए मुझे इतनी क्यूरियोसिटी है। प्लीज इसे थोड़ा कंसीडर कीजिए, किस कारण से आपने उसे अरेस्ट किया? बाजू के रूम वाले से ही बात करें, कुछ तो गड़बड़ है, अभी पता लगाती हूँ। सॉरी मिस्टर ईश्वर, शिवा के केस के बारे में अभी किसी को नहीं बता सकते। पूरी इंक्वायरी के बाद मैं आपको खुद फोन करूंगा। अरे मेरी बात सुन, ये वकील हमारे साथ कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। इस बात से अनजान ये पूरा परिवार इन लोगों की मदद लेने आया है। सुन भाई, ये वकील इस केस के साथ क्या खिचड़ी पकाता है, इस बात पर हमें नजर रखनी होगी। हाँ, बिल्कुल। सॉरी सर। बालकृष्ण, बालकृष्णन, हेलो बालकृष्णन। शिट, हम्म।
ये तो ऐसे दुखी हो रहा है जैसे इसकी पूरी जायदाद लुट गई हो। क्या नौटंकी बाज है ये। गोविंद। हाँ सर। वो उसके ऑफिस में कुछ कैश पड़ा है? हाँ है ना सर, ऑफिस में बहुत सारा कैश है। अरे वाह, घर में भी बहुत सारे पैसे रखे हैं। घर में भी है तो आप एक काम कीजिए, जितने पैसे हैं ना उन्हें गोविंद को दे दीजिए। ऐसा लगता है कि ये सारे पैसे हड़पना चाहता है। देखो तो कैसे देख रहा है। क्या कहा? कुछ नहीं सर। गोविंद। हाँ सर। सारे पैसे अपने घर पर मत रखना। सर चाहे तो मैं अपने घर पर रख सकती हूँ। आप कौन? मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ सर। इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में सर। रहने दो। आप बोलो तो गांव भिजवा सकती हूँ सर। वहाँ भी रहने दो। ठीक है। नहीं नहीं, शायद खुद ही रखना चाहता होगा। मैनेजर। हाँ सर। तुम एक काम करो, सारे पैसों को संभालने वाला कोई भरोसेमंद इंसान। सर एक्सक्यूज मी सर, ये बहुत भरोसेमंद है सर, आप इसे दे सकते हैं। सर कौन है? ये मेरा भाई है। चुप करो तुम लोग, तुम्हें दे या इसे दे एक ही बात है। कितनी सीरियस बात हो रही है यहाँ और तुम्हें मजाक सोच रहा है। इसे क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये वकील सारे पैसे खा लेना चाहता है। सर भरोसे की बात है तो हमें आपसे ज्यादा किस पर भरोसा होगा सर, आप अपने घर पर रख लीजिए सर। अरे गधे कहीं के, इतनी देर से वो भी तो यही बोल रहा है। सुन लिया क्या? मैडम जी आप बाहर जाइए। कहाँ ना बाहर जाइए। मैं यही रुकती हूँ ना सर। जाओ ना। नहीं सर मैं यही रुक जाती होगी ना। जाती हूँ सर, जाती हूँ सर। पैसे निकल नहीं तो बहुत मारूंगा। सर ऑफिस में जितना है और घर पर जितना है मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, बस मेरे शिवा को आप सर। मेरा भाई शिवा 2 दिन में घर पर आ जाएगा। धन्यवाद सर। ठीक, चलो बेटी। नमस्ते। चीचा जी, घर और ऑफिस में जितने भी पेपर्स और पैसे हैं उन्हें किसी भरोसेमंद इंसान के हवाले करना होगा हमें। मैं उसे रख रहा हूँ ना। लेकिन उनसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठाने का मेरा मन नहीं कर रहा। ठीक है, जैसा कहती हो वैसे ही करेंगे। क्या बात है, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा क्या? तो अब देख। हे भगवान, हे भगवान, अपना घर में किसे बताऊँ? ऊपर वाले क्या हो गया? सीबीआई ऑफिस से अपने बॉस को मैं कैसे छुड़ाऊँ? क्या हो गया है? मैडम जी हम दोनों सीबीआई ऑफिस गए थे, वहाँ जाकर बड़े ऑफिसर से भी मिले, वो हमारे ही गाँव के हैं। हमारे ही गाँव के। उन्होंने सारी बातें हमें बताई मैडम जी। क्या कहा उन्होंने? अगर बॉस को बचाना है तो 2 करोड़ रुपए चाहिए, तब जाकर वो बॉस को छोड़ेंगे। 2 करोड़ रुपए? सुन राजा मेरी बात सुन, हम अपने घर के पेपर्स गिरवी रखकर बॉस को किसी भी तरह बचा लेंगे। हमारे पास घर कहाँ है? अपना मुंह बंद कर। अरे दीदी उस पेपर को गिरवी रखकर ही तो छुटकी की शादी करवाई थी। अरे फिलहाल वो सब बातों को भूल जा, मुझे मेरे बॉस चाहिए, उन्हें किसी भी तरह छुड़ाना होगा भैया। लेकिन जितने भी पैसे थे मैंने इनके जीजा जी को दे दिए। अरे उनके पास गए तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, अब मैं क्या करूं? हाँ घर के पेपर्स हैं, उसे काम बनेगा। घर के पेपर? अरे जल्दी से लेकर आ जाओ, उन पेपर्स को गिरवी रखकर कैसे भी हम अपने बॉस को बचाते हैं। उन्हें कैसे भी बचा। ठीक है मैं भी लेकर आती हूँ। फोन 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 कहाँ है फोन? हेलो सुहानी, मैं कोया मटूर से पापा बोल रहा हूँ। पापा मैं सुहानी नहीं हूँ, वो अंदर गई हुई है, अभी बुलाती हूँ। मैडम सुहानी मैडम। जी आपके पापा का फोन है, ये लीजिए। सुहानी क्या बेटा दामाद जी के बारे में पेपर में क्या उल्टा सीधा लिखा हुआ है? वही बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही। हमारे ऑफिस में काम करने वाली कुमारी जी सीबीआई ऑफिसर से बात करके आई हैं। 2 करोड़ देंगे तो छोड़ देंगे कहा है। 2 करोड़? जरा उसे फोन देना। पापा से बात करना चाहते हैं। सुनिए मैडम थोड़ा पानी मिलेगा। हेलो नमस्ते जी। हाँ नमस्ते, किस बात के 2 करोड़? वो क्या है ना, मैं सीबीआई ऑफिस में सीनियर ऑफिसर से मिलने गई थी, वो मेरे ही गांव वाले हैं, अगर हम उन्हें 2 करोड़ रुपए देंगे तो वो केस को उल्टा पुल्टा करके मक्खन की तरह रफा दफा कर देंगे और साहब को बाहर निकाल देंगे। ये बात है, मैं भी वहाँ पे आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में जा करके दे देंगे। आप क्यों आ रहे हैं? ये सब बातें खुफिया तरीके से निपटा देंगे तो ही अच्छा रहेगा। पैसे आज कैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते, आज अष्टमी है कल नवमी है, 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते? ऑफिसर बिल्कुल नहीं मानेगा। वो नहीं मानता है तो जाने दो, एक ही ऑफिसर है क्या?
ऐसे बड़े बड़े दसों ऑफिसर से मेरी भी पहचान है। ए राजा, ये गधा कुछ ज्यादा ही चालाक निकल गया, ये तो बड़े बड़े ऑफिसर्स को जानता है। दीदी, कौन सा ऑफिसर है, क्या नाम है, जरा पूछो उसे। कौन सा ऑफिसर है, क्या नाम है, जरा बताओ। क्या कहा? वही तो पूछ रही हूँ ना। पंकज कुमार वड़ा पलनी में 33 सालों से हेड कांस्टेबल है, अगले साल रिटायर होने वाले हैं, उनसे कह के सब निपटा दूंगा। ये देखो भाई साहब को, इन्हें तो पुलिस ऑफिसर और सीबीआई ऑफिसर के बीच अंतर ही नहीं पता है, गधा कहीं का। हाँ जी कहिए। कल ही आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए। अरे भैया, हमारी पांचों उंगलियां बस घी में जाने ही वाली थी, किसने सारी कढ़ाई उलट कर रख दी। चलो चलो यहाँ से, कुछ नहीं होगा हमारा क्या। मैडम जी, पेपर्स आप अपने पास ही रखिए, हम कल आकर ले लेंगे, ठीक है। और पानी फैल गया, इसे आप ही पी लो। चलो चलो चलो, चलते हैं, चलते हैं। हाँ चले गए क्या? बहुत मारते हैं यार, अगर आप बेहोश होने का नाटक सही नहीं करो ना, तो वो आपको 24 घंटे मारते रहेंगे। बॉस, ये साउथ की फिल्मों में जब हीरो कोई सीबीआई ऑफिसर की एक्टिंग करता है ना, तो वो लोग कितना डिसेंटली पेश आते हैं, पूरे जेंटलमैन लगते हैं, और ये लोग अपने घर का गुस्सा हमारे ऊपर उतारते हैं, कूट कूट के बजा देते हैं हमारी। ठीक है, मारना है तो मारो, पर पहले पेट भर के खाना खिलाओ फिर मारो, क्या कहते हो? बच्चों को खिलाते ना, इतना सा देते हैं ये लोग। बॉस, ये तुम्हारा खाना है क्या? वैसे टोमेटो राइस मुझे बहुत पसंद है बॉस। थैंक्स बॉस। अच्छा बॉस, आप किस केस में अंदर आए हो? मैं किस केस में अंदर आया हूं मैं खुद नहीं जानता। ये क्या अजीब बात कर रहे हो बॉस? मेरी बात छोड़ो, तुम कैसे अंदर आए? अरे वो तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, उसे खड़े होकर सुनाना पड़ेगा। बॉस, मैं मदुरई का रहने वाला हूं बॉस, मेरा लालन पालन सब वहीं पर हुआ है बॉस, और बचपन से लेके आज तक मेरा एक ही लक्ष्य रहा, बहुत बड़ा दादा बनने का। अगर मदुरई में दादा बनना है ना, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए बॉस, और उसके साथ दम चाहिए, दम। शहर के किसी मशहूर इंसान का पत्ता कट कर दो बस, उसके बाद सब मानते हैं आपको। बॉस, इंग्लिश तो जानते हो ना तुम? तुमसे कम ही जानता हूं। तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं टीच कर दूंगा तुम्हें। मैंने कितनों को फिनिश करने की सुपर प्लानिंग बनाई बॉस, लेकिन सारी प्लानिंग प्लानिंग में रह गई। क्यों? बस अब बॉस, तुमने मेरी हिस्ट्री में एंटर किया। वो क्या है ना, शहर के सारे गुंडे हमारे रिश्तेदार हैं ना बॉस, तो किसी एक को भी मारो तो उसकी दीदी, बहन, भाभी, बुआ, चाची, ताई, मामी, मौसी या नानी, कोई ना कोई तो विंडो जरूर बन जाएगी ना। विंडो सही नहीं है, विडो। अरे तुम मीनिंग समझो ना बॉस, वहां रहकर मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा था, तो सोचा कि चलो चेन्नई चल के ट्राई करते हैं, चेन्नई में दोस्त है तो काम हो जाएगा। जब यहाँ आकर देखा तो जितने भी गुंडे थे उन सबको पुलिस वालों ने पहले एनकाउंटर कर दिया बॉस। उसके बाद क्या हुआ? उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की कि कोई ना कोई तो मिलेगा। वो सब छोटे छोटे लड़के हैं बॉस, कोई 15 साल का है तो कोई 18 साल का, बस अभी अभी उगे ही तो है वो लोग, उन्हें मैं नहीं मारता, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। तो फिर यहाँ आना कैसे हुआ? सही ट्रैक पकड़ा, अब आएगा हिस्ट्री में मेन ट्विस्ट। लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ तो गांव वापस जाने का फैसला कर लिया बॉस। यहाँ तक आने के बाद खाली हाथ जाने का मन नहीं किया, पलट कर देखा तो नजर आया इंडियन IQB बैंक। अब हम भी तो इंडियन है ना, खर्चे के लिए पैसे वैसे चाहिए, तो अंदर चला गया सीधा, सही करके। जैसे ही मैं अंदर गया तो सही करके पुलिस भी आ गई और मुझे पकड़ लिया बॉस। वहाँ चड्डीधारी वॉचमैन था, वो आंखें बंद करके जाग रहा था, उसने पुलिस को फोन कर दिया। मैं अगर उसकी जगह होता तो कहता, भाई मैं जाग रहा हूँ, तू यहाँ से रफू चक्कर हो जा फौरन। वो सब तो ठीक है, नॉर्मली इस तरह के केसेस पुलिस हैंडल करती है, तुम सीबीआई के चक्कर में कैसे? अरे यहीं पर तो आपको मेरी काबिलियत पर गौर करना चाहिए बॉस, मैंने एक ताला खोला था, बिना चाबी के उस ताले को अगर कोई खोलकर दिखाएगा तो एक इंटरनेशनल कंपनी उसे 1 करोड़ रुपए देगी, क्योंकि ताला उसी कंपनी का है। ऐसे ताले को मैंने अपने बाएं हाथ से खोल दिया तो ये कहते हैं कि तेरे साथ कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल भी है, बस इसी बात को पूछने के लिए मेरे को लगातार धो रहे हैं। तो मार खाने से अच्छा है कि तुम बता दो वो कौन है। अरे उनका नाम ऐसे कैसे बता दूं, जो मुझ पर भरोसा करके यहाँ है उनका नाम लेना ठीक नहीं है। तुम्हें पता है ना इस दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म क्या है, किसी को धोखा देना, और मैं मरते दम तक ऐसा नहीं करने वाला हूँ। बस बॉस, लगता है इनकी ड्यूटी बदल रही है, अब जो अगला आएगा ना वो भी धुलाई करेगा, तब तक मैं जरा आराम कर लेता हूँ। हाँ अगर कोई पूछने आए तो कह देना बेहोश पड़ा ही है। अरे उनका नाम ऐसे कैसे बता दूं,
जो मुझ पर भरोसा करके यहाँ है उनका नाम लेना ठीक नहीं है। तुम्हें पता है ना इस दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म क्या है? किसी को धोखा देना। और मैं मरते दम तक ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तुम मेरे क्लाइंट नहीं हो शिवा, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। आप में से शिवा की वाइफ कौन है? सर मैं हूँ। आप जाके मिल सकती हैं। दामाद जी से तुम मिलकर आओ बेटी। रात अकेली है बुझ गए हैं? बस कोई सुंदर सी लेडी थैला लेकर आ रही है। मेरी वाइफ है वो। सॉरी बॉस। अच्छा हुआ मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। लगता है बिरयानी विरयानी लेकर आई है। खाने के बाद मेरे लिए थोड़ी सी छोड़ देना बॉस। ओके बॉस, आप लोग बात कीजिए, मैं एग्जिट लेता हूँ। ऑफिसर्स, छुपकर सुनने वाले ऑफिसर्स, ओपन द डोर। हटो पीछे, मैं एक तरफ खड़ा हो जाता हूँ। पति पत्नी की बातें आपको भी नहीं सुननी चाहिए। ये सब क्या हो गया? किसने आपके साथ ये सब किया? ईश्वर ने। उन्होंने ये सब आखिर आपके साथ किया क्यों? हमने जितनी भी जमीनें खरीदी, जितने भी फ्लैट्स बेचे, उन सब में उसने धोखा दिया। उसे मैंने पकड़ लिया तो मुझे अरेस्ट करवा दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? पहले एक अच्छे लॉयर से मिलकर किस केस में मुझे अरेस्ट किया गया है उसका पता लगाओ। क्यों बेटी, दामाद जी क्या बोले? अच्छे लॉयर से मिलने को कहा है। ईश्वर से अच्छा लॉयर कौन होगा? उसकी वजह से ही ये परेशानी हुई है। उसकी वजह से? हाँ बोलो मोहन। सर अभी सीबीआई ऑफिस से बाहर निकले हैं, अब मुझे क्या करना है? सर तुम एक काम करो, अपना फोन ऑन ही रखना। ठीक है सर। कहाँ जाना है सर? टी नगर, वहाँ वकील नील मेघम जी के ऑफिस चलो। ठीक है सर। Yes, Lord Neel Megham speaking. Neel Megham. क्या हाल चाल साहब जी? एक केस के बारे में तुमसे मिलने चार लोग आएंगे। ठीक है, उन्हें वापस भगा देना। बिल्कुल ऐसा ही होगा साहब। ये कौन है जो ऑफिस में बैठ के सो रहा है, इससे ही पूछ लेते हैं। आप लोग कौन है? वकील नील मेघम सर से एक केस के बारे में मिलना है। ओहो, सर तो विदेश चले गए, वापस आने में उन्हें एक महीने से ज्यादा लग जाएगा। ये मोटा कौन है? आप कौन? मैं उनका नौकर हूँ। नौकर मतलब? ऑफिस बॉय। लगता है बहुत बड़े बॉय हो, तुम्हारे मुंह की बात सच हो जाए। सच में तुम नौकर के ही लायक हो। जय महाकाली। शिवाजी जी, मुझे ये केस कैसे भी जीतना है। कौन है सुबह सुबह फोन करता है? हेलो, क्यों सेठ? नमस्ते जी। कनाडा वाले के केस के लिए चार लोग आएंगे। हाँ तो क्या करना है? आए तो उन्हें वापस भगा देना। आपने कह दिया तो मेरे लिए हुकुम है, मैं ये केस नहीं लूंगा। ओके जी, ओके। जय भवानी। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते भाई साहब। हाँ, बैठिए बैठिए। क्या हुआ सर? एक केस के बारे में आपसे बात करनी है। कौन सा केस? मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के शिव कुमार का। वो कनाडा वाले शिव कुमार? छी, झूठे केस मैं नहीं लेता। जाओ। छी, ये केस नहीं लेंगे आप? तो फिर किस तरह का केस लेंगे आप? पिक पॉकेटिंग का केस, खून का केस, या केस का केस लेंगे आप? सुनो यहाँ बेकार की बातें मत करो, समझ गए? बेकार की बातें कौन कर रहा है? तू मेरी बात सुन, दूसरे शहर से यहाँ काम करने आया ना, और मेरे ही दामाद का केस लेने से मना कर रहा है तू? Hey, गमार, कुछ और बोला तो ठीक नहीं होगा। मुझे अगर गुस्सा आ गया तो याद रखना। मुंह बंद कर अपना। चलो भैया चलते हैं। सुन मेरी बात, इससे मिलने से अच्छा होता है उस कांस्टेबल से मिल लेते। कांस्टेबल क्या कर लेता? सब कर लेता वो। लेकिन क्या कर लेता? अरे सब कर लेता, 30 सालों से देख रहा हूँ उसे। लेकिन बताइए ना कि कर क्या लेता? वो कर लेता, वही काम आता। बिल्कुल केस ले सकते हैं, तूफान भी आ जाए, लेकिन कपिल राज को कोई खरीद नहीं सकता है, समझ गए? दुनिया के हर कोर्ट में जज के आते ही सारे लोग खड़े हो जाते हैं,
लेकिन जब मैं जाता हूँ तो जज खुद डर करके खड़ा हो जाता है। इसीलिए तो आपके पास आए हैं हम लोग। वन मिनट। हेलो, मैं टाइगर कपिल राज ही बोल रहा हूँ। मैं करण बोल रहा हूँ। हाँ कहिए, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सर जी, हम लोग एक खून करने वाले हैं, भेद ले लेंगे ना? हाँ तो ले लेंगे ना, किसका खून करने वाले हो? वो खुद तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ऐसी बात है, उन्हें फोन दीजिए। उन्होंने खुद कह दिया ना, अब दे दो। अरे सुनिए, क्या हुआ वैशु, क्या हुआ तुम्हें? वो ना, मैं घर में पानी भर रही थी कि तभी आके इन्होंने मेरी गर्दन पर तलवार रख दी। सुनो जी, तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? अभी तक तो कुछ नहीं किया, पर कर जरूर सकते हैं। अरे सुनो, तुम पहले फोन रमना को तो दो। अरे इसका नाम रमना नहीं, करण है। अरे मेरी गलती को छोड़ो, पहले फोन दो उसे। हाँ अभी देती हूँ, ये लो, जो भी अपना काम है इनसे फटाफट करवा लो। काम उनसे है। सुन ली आवाज? मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, सॉरी, बिल्कुल वैसा करूंगा। किसने अरेस्ट किया कहा था आपने? जी, सीबीआई डिपार्टमेंट। सॉरी, मैं सीबीसीआईडी समझ बैठा था। किसी भी डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया होगा उससे आपको क्या? आप तो बस बेल लेकर दो ना। नहीं नहीं, मैं बेल नहीं करवा सकता हूँ, मैं ये केस ही अटेंड नहीं कर सकता। भगवान के लिए कोई और वकील कर लीजिए। क्या सर, अभी तो आपने कहा था ना कि भले ही तूफान आ जाए लेकिन कपिल राज को कोई खरीद नहीं सकता। आप हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, कोई आपकी पत्नी की गर्दन पर चाकू लगाएगा तो आपको पता चलेगा। हाँ। तो इस उम्र में तेरी पत्नी के गर्दन पर चाकू कोई नहीं रखेगा तो क्या चंदन लगाएगा? अरे जब पावर ही नहीं है तो फिर ये पावर ग्लास खाएगा। टाइगर कपिल राजा का नाम बदल ले तो अपना। ओए, अरे तेरे पास आने के बजाय हमें उस हेड के पास जाना चाहिए था। ये हेड कौन है? कोई भी हेड हो, तुझे क्या कद्दू कहीं का? तुम्हारा थैंक यू बॉस, तुमने मुझे नए कपड़े पहनने को दिए। मैं ऊंची आवाज में भले ही बोलूं बॉस, लेकिन सच में मेरी बातों में कुछ गलत नहीं होता है, पता है? मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन अपने बारे में आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बॉस, तुम मुझ पर थोड़ा भी विश्वास करते हो क्या? थैंक्स बॉस। तो फिर मुझे बताओ ना, तुम यहां कैसे आए? तुमने कहा था ना, तुम मर जाओगे लेकिन धोखा नहीं दोगे। मैंने यही कहा था, लेकिन एक ने मेरे साथ धोखा किया है। कौन है वो बॉस? आपने जो एग्रीमेंट की वो तो आपके पास ही होंगे ना, तो फिर वो बदल कैसे गए? राधा मेरी सेक्रेटरी है, उसके केबिन में ही मेरा अकाउंट्स, एग्रीमेंट सब कुछ होता है। उसने ईश्वर को दे दिए होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं जिस भी जमीन को खरीदने वाला होता था राधा उसको पहले ही बता देती। उसके बाद ईश्वर वो जमीन पुष्पेंद्र सिंह के नाम पर खरीद लेता और मुझसे कहता कि किसी बिल्डर ने वो जमीन खरीद ली है। ये बात वो ब्रोकर शनमुगन के जरिए कहलवाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये थी कि उसने स्वामीनारायण की बहन के बेटे के साथ भी धोखा किया, जिसने मुझ पर पूरा भरोसा किया था। तो बॉस, उन डुप्लीकेट एग्रीमेंट में साइन तुम्हारे नहीं है, ये तो पता चल ही जाएगा ना? वो फंसेंगे, ये बात वो नहीं जानते हैं क्या बॉस? जानते हो, जब तक मुझे पता चला राधा मेरे पास से काम छोड़कर चली गई। राधा मुझे नहीं जानती, इस बात को बड़ी आसानी से ईश्वर साबित कर देगा। ये केस कोर्ट में जाएगा और कई सालों तक चलेगा। ईश्वर सोचता है कि उसके बाद कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो बॉस, देखना आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मैंने कहा था ना, सीबीआई ऑफिसर यही है वो। नमस्ते। हेलो पापा। क्या हुआ बेटी, जल्दी नीचे आइए पापा। अभी आता हूं, अभी आता। क्या हुआ बेटी? कुमारी जी आए हैं। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। ये कौन है? ये मेरा भाई है। और ये जोकर का? कौन? सीबीआई ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर। आइए आइए बैठे बैठे, आइए बैठे बैठे बैठे। पहले नहीं बता सकती थी? संभालना, ये थोड़ा ज्यादा होशियार है। नमस्ते। नमस्ते सर। अरे तू सीबीआई ऑफिसर है, जरा रुतबा दिखा। ये सिंगल पसली कौन है? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? सुनो भाई, ये सीबीआई ऑफिसर है। सीबीआई ऑफिसर कैसे घूर रहा है, जरा संभल कर। ये तो चीटिंग पार्टी लगती है। ओए, कौन है घर में? आप कौन हो? अरे इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो, कौन हो तुम? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम लोग? मेरी बहन के घर में बैठे हुए हो। क्या? कौन सी तुम्हारी बहन? ये मेरे दामाद शिवा का घर है। शिवा का ही घर है, और वही शिवा मेरी बहन का पति है। शिवा अगर तेरी बहन का पति है तो फिर ये कौन है? अरे वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, ये कौन है, ये बुढ़ा कौन है, और तू कौन है? इनके घर पे आके कौन है पूछ रहा है? इनके बारे में मुझसे पूछ।
ए, तू वही हमारे एरिया का बॉबी है ना? क्या गोभी? अरे गोभी नहीं यार, बॉबी। बॉबी? आप मेरी बात सुनिए, ना ये गोभी है और ना बॉबी है, ये सीबीआई ऑफिसर है। इधर तो जरा। हाँ हाँ कहिए, क्या हुआ? सीबीआई ऑफिसर है? हाँ, बड़े सीबीआई ऑफिसर हैं। तुम्हें क्या शर्म नहीं आती? हाँ, आती है ना। निकल। इसी वक्त तुम्हारे घर से बाहर निकल। ये कहने वाला तू कौन है? ये शिवा की पत्नी है और ये शिवा के ससुर जी हैं और मैं शिवा का जीजा हूँ। तेरे पास क्या सबूत है कि तेरी बहन की शिवा से शादी हुई है? ओए, तेरे शिवा ने मेरे घर में यूज किया पैंट, ये शर्ट, ये बनियान और ये चड्डी। ये प्रूव है कि शिवा ने मेरे साथ फैमिली प्लानिंग कर ली थी। ए, तुम्हारे शिवा और मेरी बहन के साथ की फोटो देख लो, कैसी है? अच्छी है ना? ए, ये लड़की तेरी क्या लगती है? मैं भाई हूँ इसका। कैसा भाई है रे तू? अपनी बहन की गंदी तस्वीर दिखा रहा। अरे अरे, मत मारो उन्हें। तो ये ले। सब एक बात कान खोल के सुन लो, एक दो तीन, तीन दिन में मुझे घर खाली चाहिए, समझ आया? चलो। भैया, यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कि सीबीआई ऑफिस जाकर ही बात की जाए। सीबीआई ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं होगा, वहाँ राज नाम के सीबीआई ऑफिसर हैं। मैं उनका एड्रेस देती हूँ, उनसे जाकर मिल लो। हाँ माँ, एक काम करो ना, आप ही इन्हें लेकर चली जाइए। हाँ, चलो उठो, आओ। हाँ, चलो बेटा, आइए, उठिए, चलिए। भैया, संभल। आप यहीं रहिएगा, इसका ख्याल रखिएगा, हम अभी आते हैं। आप संभल कर रहिएगा। सर, 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 दरवाजा खोलिए सर। आप जाइए। सर, अर्जेंट है सर, सीबीआई के चीफ ऑफिसर राज सर से मिलना था। सर, आप कौन है? सर, ये मेरी बहन सुहानी है, इसके पति को अरेस्ट करके रखा है, उसी के बारे में बात करना। सर, घर में किसी से नहीं मिलते, आप जा सकते हैं। सर प्लीज, सर हमारी प्लीज। सर, समझने की कोशिश कीजिए, ऑफिस के टाइम पे आइए, इस समय वो नहीं मिल सकते। सर, बहुत अर्जेंट है सर, किसी तरह मिलवा दीजिए। सर, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? आप जाइए यहाँ से। अगर आपकी बहन को कोई प्रॉब्लम होती तो उसे भी नहीं मिले देते क्या? उसे भी यही जवाब देते? सर, आप हमारी मदद कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जाइए ना। सर, से बिना मिले हम यहाँ से नहीं जाने वाले, चाहे कितनी भी बारिश आ जाए, अब यही खड़े रहेंगे। आओ चलो। सर, इस बारिश में आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? भगवान के लिए आप लोग चले जाइए ना। और कोई रास्ता नहीं है सर, परेशानी आए तो भगवान के पैर पकड़ने से अच्छा है कि किसी इंसान से सहायता मांग ली जाए। बुरे वक्त में जो इंसान मदद करता वो किसी भगवान से कम नहीं होता है। सर, आपको भगवान मानकर बोल रहा हूँ, किसी भी तरह राज सर से हमें मिलवा दीजिए। सर, सर प्लीज सर। हेलो सर, सर, वेरी गुड मॉर्निंग, आई विल कॉल यू लेटर, हैव अ सीट।
ये शिवा की केस फाइल है सर। शिवा को किस केस में अरेस्ट किया सर? एलटीटी का और उसका काफी लंबा लिंक रहा है। उस ग्रुप के कई लोग उससे कई बार आकर मिलते भी रहे हैं। मोरोवर शिवा के बिजनेस में उन्होंने फाइनेंशियली उसे बहुत सपोर्ट भी किया है। ओह, ये बात डायरेक्ट पिटीशन से भी और कंप्लेंट से भी मिली है। इसी वजह से मैंने उस पर एक्शन लिया है सर। तो फिर शिवा से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की? सर हमने सारे तरीके अपनाए पर वो मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। इस वक्त शिवा कहाँ है? फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो आपके रूम में वेट कर रहा है सर। अब से शिवा का केस मैं हैंडल करूंगा सर। शिवा का केस मैं ही हैंडल करूंगा। ओके थैंक यू सर। चंद्रू, बाहर सुहानी नाम की लेडी है, उसे लेकर अंदर आओ। सर नमस्ते सर। प्लीज लिसन सुहानी, आपके हस्बैंड के जो भी बिजनेस डिटेल्स हैं वो मुझे चाहिए, वो भी इमीडिएटली। नमस्ते, सब ठीक? सो शिवा, तुम्हारे साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है मुझे जानना है, बिना छुपाए सब कुछ बताओ। तुम्हारा नाम? परमेश्वर। क्या करते हो? ऑडिटर हूं सर। मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के आप ही ऑडिटर हैं? यस सर। मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को शिवा ने कब शुरू किया था? 2002 में शुरू किया था सर। और तब से लेकर आज तक आप ही ऑडिटर हैं? यस सर। शिवा के फर्स्ट प्रोजेक्ट का एस्टीमेट कितना होगा बता सकते हो? 4 करोड़ सर। ओके, इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर इन्वेस्ट किया अमाउंट सारा शिवा का ही था राइट? शिवा सर का कैश 2 करोड़ था सर, और बाहर से 2 करोड़ रुपए लिए थे। बाहर से? बाहर से मतलब समझा नहीं, किससे लिया था? कनाडा के अपने फ्रेंड दास से 1 करोड़ लिए थे, और यहाँ के सेठ पंकज लाल जी से 1 करोड़ रुपए लिए थे। अच्छा, वो 2 करोड़ जो लिए थे वो डीडी था, चेक था, या फिर कैश था? कैश ही लिया था सर। तो फिर उन 2 करोड़ के एग्रीमेंट या वाउचर तो होंगे ही ना? सर मैंने भी शिवा सर से कई बार कहा था कि इनकम टैक्स के लिए एग्रीमेंट वाउचर चाहिए, लेकिन वो इतनी बिजी थे कि किसी बात पर ध्यान नहीं दे पाए। वो सेठ आज तक शिवा सर के साथ विश्वास के दम पर ही काम करते आए हैं। मैंने उससे जुड़ी सारी डिटेल्स आपके ऑफिस में दी हुई है सर। आपका नाम? मेरा नाम दास है सर। Where are you from? I am from Canada सर। तो आप कनाडा में पैदा हुए हो? नहीं सर, मैं पैदा हुआ हूँ श्रीलंका के वलवट्टी दुरे में, लेकिन मेरा परिवार काफी समय से कनाडा में ही रहता है। मिस्टर शिवा को जानते हैं आप? जानता हूँ सर, 20 साल से पहचान है अपनी। ओके, आप कनाडा में क्या करते हैं? वहाँ मेरा बिजनेस है सर। शिवा के साथ आपने कभी पैसे का लेन देन किया? हाँ सर किया है। कब दिए थे, क्यों दिए थे और किस लिए? शिवा जब फर्स्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा था तब 1 करोड़ दिए थे सर। आप कनाडा में रहते हैं, शिवा इंडिया में रहता है, पैसे का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? मेरे पहचान का एक दोस्त कनाडा में रहता है और उसकी फैमिली चेन्नई में रहती है, उनके बैंक अकाउंट में डाले थे। शिवा की बिल्डिंग जब सेल हुई तो उसने उनके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए। ये बैंक स्टेटमेंट है सर। पंकज लाल सेठ आपका नाम है? नहीं सर, वो मेरे पिताजी थे। तो फिर आपका नाम? मेरा नाम रविलाल है सर। आपके पिताजी क्यों नहीं आए? मेरे पिताजी का 2 हफ्ते पहले हार्ट अटैक में देहांत हो गया सर। ओह, आई एम सॉरी। आपके पिताजी करते क्या थे? मेरे पापा फाइनेंस करते थे सर। उनका फाइनेंस किन किन पर होता था बता सकते? वो घर के पेपर, जमीन के पेपर, खेत के पेपर, ये सब लेकर प्रॉपर एग्रीमेंट बनाने के बाद ही किसी को पैसे देते थे। विश्वास या दोस्ती के मुद्दे पर किसी को उन्होंने पैसे दिए हैं आप जानते हैं? नहीं सर, विश्वास पर तो उन्होंने आज तक किसी को पैसा नहीं दिया, इस बात पर मुझे पूरा यकीन है सर। मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ओनर शिवकुमार को आप जानते हैं? मैं नहीं जानता सर। आप ही मोहन है? हाँ जी सर। आप काम क्या करते हैं? मैं ही शिवा सर का पर्सनल ड्राइवर सर। सीबीआई के ऑफिस में आकर शिवा के एलटीटी कनेक्शन की कंप्लेंट आपने दी थी? हाँ जी सर। शिवा के ऑफिस में एलटीटी के लोग आए थे ये आपको कैसे पता चला? सर उन्हें कार में लेकर आना, वापस लेकर जाना मेरा ही काम था सर। कार में मैंने उनकी बातें सुनी थी सर।
कार में कैसी बातें हुई थी? शिवा सर के बिजनेस के लिए पैसे देते हैं, इसलिए शिवा सर हमेशा उनके आने पर ख्याल रखते हैं, ये बातें होती थी सर। इसकी कंप्लेंट आपने पहले पुलिस में क्यों नहीं दी? सीबीआई ऑफिस में आने की कोई खास वजह? सर, शिवा सर पैसे वाले हैं, पुलिस में देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा, इसलिए सीबीआई को दिया है सर। ऐसी आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? सर सातवीं पढ़ा सर। मैंने आपसे पहले एक आदमी से पूछताछ की थी। जी सर। उसने कहा कि सिटी में एलटीटी का कोई भी आदमी आता है तो आपके घर में रुकता है, क्या यह सही है? सर ये बात बिल्कुल झूठ है सर। उनके पैसों पर आप ब्याज खाते हो, ऐसी खबर भी मिली है हमें? नहीं सर। आपको आपका कमीशन नहीं मिला इसीलिए आपने कंप्लेंट कर दी? नहीं सर। ऐसा मैं नहीं कह रहा, जिससे इंक्वायरी की थी उसने कहा था। सर सर झूठ है सर। उनके साथ आपकी दोस्ती का पक्का सबूत है हमारे पास। नहीं सर। सिर्फ इतना ही नहीं, सच ये है कि शिवा के ऑफिस में एलटीटी के लोग उनसे मिलने नहीं आए बल्कि आपसे मिलने आए थे। सर ये सब झूठ है सर। एलटीटी से दोस्ती शिवा की नहीं बल्कि आपकी रही है। सर ये बिल्कुल झूठ है सर। शिवा को ये बात पता चल गई इसलिए आपने पहले कंप्लेंट कर दी? नहीं सर। आपने शिवा को धोखा दिया है। सर मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी और से पैसे लेकर शिवा के खिलाफ झूठ बोल रहे हो? नहीं सर। मतलब शिवा का एलटीटी से संबंध है? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर ऑफिस में आकर झूठी कंप्लेंट क्यों दी? नहीं सर। सर सर चंद्रो सर। नहीं सर। सर सर इसके परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सबको गोली मार दो। ओके सर। डिपार्टमेंट की इंक्वायरी में एलटीटी के लोगों ने गोली मार दी ये कहकर फाइल क्लोज कर लो। सर क्यों रे, सातवीं तक पढ़ा हुआ है सर, तुझ में एसपी ऑफिस के प्रोसीजर को समझने की अक्ल कहां से आई? हाई कोर्ट में घुसकर स्टेट गवर्नमेंट से आगे सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे तो ही सीबीआई तक पहुंचा जा सकता है। तू सीधे हमारी ऑफिस में पहुंच गया, मतलब तुझे किसी ने भेजा है। मैं बताता हूं सर। कौन है वो? सर वो एडवोकेट ईश्वर है सर, उसने मुझसे कहा था कि कंप्लेंट यहां पर लाकर दे दो, बाकी मैं देख लूंगा सर। चंद्रू मुझे देखिए मावे। सर नमस्ते। या सुहानी, शिवा पर जितने केस हैं सब झूठे हैं ये पता चल गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो पंकज लाल सेठ अब जिंदा नहीं है। उनका बेटा कहता है कि वो शिवा को पहचानता नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, बिना एग्रीमेंट के उसके पिताजी किसी को एक भी पैसे नहीं देते थे ये भी कह रहा है। सो पंकज लाल सेठ से लिए उन 2 करोड़ का हिसाब नहीं मिला तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। उसके बाद मैं तो क्या, भगवान भी शिवा को नहीं बचा सकता। बालकृष्ण सर, मैंने तो पहले ही कहा था ना, इंडिया का कोई भी सेठ बिना एग्रीमेंट के पैसे नहीं देता। उसके बाद भी पंकज लाल सेठ ने अगर पैसे दिए हैं तो वो इल्लीगल फंड होगा या फिर ब्लैक मनी होगा, राइट? ऑफ कोर्स यू आर राइट मिस्टर ईश्वर, बिकॉज सिर्फ पंकज लाल का बेटा ही नहीं, यहाँ तक कि पंकज लाल खुद जिंदा भी आ जाए तो वही पूछेगा हुई शिवा, क्योंकि ये केस उतना ही स्ट्रॉन्ग है। करण, वो बाहर नहीं आना चाहिए, उसे रोज यही सोच सोच कर मरना होगा कि क्यों मैंने ईश्वर पर हाथ उठाया था। आपने जैसा कहा है ठीक वैसा ही होगा। नमस्ते, नमस्ते सर। हाँ आइए बैठिए, कहिए। सर मेरे हस्बैंड ने जो पैसे लिए और खर्च किए उन सबका इनके पास एविडेंस है। क्या है? सर जब शिवा को अरेस्ट करते हुए टीवी पे दिखाया जा रहा था तब मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे। उस दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि शिवा के साथ हमारा सारा लेन देन एक भरोसे पर ही कायम है, और ये बात मैं भी अच्छी तरह जानता था सर। शिवा जब पहली बार मेरे पिताजी के पास पैसे लेने आया था तो वो पैसे मैंने ही लाकर दिए थे। शिवा और डेविड मेरे पिताजी से कई बार पैसे लेने आए थे और कब कब वो वापस देकर गए ये सारी डिटेल हमारे घर के वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी सर। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पिताजी के ना कहने पर भी डेविड ने वो सारे एग्रीमेंट और वाउचर्स हमें लाकर दिए थे, वो मेरे पास ही हैं सर, ये लीजिए। ये क्या है? ये जो पैसे मैं तुमसे लेकर गया था उसका एग्रीमेंट है सेठ। कितनी बार कहा है मुझे ये सब नहीं चाहिए, शिवा ने ये पेपर तुम्हें देकर भेजे हैं ना? ये बात तो शिवा भी नहीं जानता सेठ, पैसे तो मैं तुमसे लेके गया था ना। मैं कुछ भी नहीं जानता, जाओ जाओ, चलो जाओ। सेठ अच्छा इंसान भी मरता है बुरा इंसान भी मरता है, लेकिन एग्रीमेंट ये कभी नहीं मरता। ये रख लो सेठ, पकड़ो ना सेठ। क्या डेविड? उसकी सारी की सारी डिटेल्स इसी फाइल में है सर। ओके लाओ। इंक्वायरी में ये सब क्यों नहीं कहा? सर सीबीआई आकर अरेस्ट करके ले गई थी, तब कौन भला है कौन बुरा है ये मैं समझ नहीं पाया था सर, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे पिताजी ने मुझे ये बात साफ साफ कही थी कि शिवा या शिवा की वाइफ आकर ये फाइल मांगे तो सिर्फ उन्हें ही देना, बस और किसी के हाथ ये फाइल नहीं लगनी चाहिए, इसलिए मैंने फाइल किसी को नहीं दी। आप किसी अच्छे लॉयर से मिलिए। सर किसी भी लॉयर के पास जाओ तो वो ये केस लेने को तैयार ही नहीं है सर। ठीक है आप अभी जाइए, मैं एक अच्छे लॉयर को भेजता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हेलो। हेलो चंद्रू। हाँ कहिए सर। ये शिवा का केस कहाँ तक पहुँचा? सर ये तो आपको राज सर से ही पूछना होगा, मैं उस बारे में कुछ नहीं बता सकता सर, सॉरी सर। कौन था चंद्रू? बालकृष्ण सर बात कर रहे थे। क्या कह रहा था बालकृष्ण? शिवा का केस किस लेवल पर है वो पूछ रहे थे। ओह
शिवा के केस में बालकृष्ण को इतना इंटरेस्ट क्यों? पता नहीं सर। सर, शिवा से किसी फाइल में साइन मांगकर शिवा की खोपड़ी पर गन रखकर धमकाया था बालकृष्ण सर ने, लेकिन शिवा बिना डर के वहाँ पर आराम से बैठा हुआ था सर। चंद्रू, न्याय और धर्म को मानकर ईमानदारी से जीने वालों में से है शिवा, वो आखिर क्यों डरने लगा? सर, लगता है शिवा के केस में बड़े बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए आप थोड़ा सा डर रहे हो क्या? ऐसा नहीं है सर, लेकिन डरने वाला कभी कुछ नहीं कर सकता। जो करना चाहता है उसे डरना नहीं चाहिए। अपने डर को हमेशा बैकफुट में रखो, राइट? सर। हेलो। हाँ कहिए बालकृष्ण। ईश्वर सर, शिवा बेल पर छूट गया है। बॉस, आपका थैंक यू बॉस, आपने मुझे ही बाहर निकलवा दिया। इसके बाद तुम कहाँ जाओगे? कुछ नहीं पता बॉस। मेरे साथ चलोगे? हाँ चलूंगा ना। भाई, आंखों में आंसू क्यों हैं? ठीक है, मैं शिवा को बता दूंगा। क्या हुआ जीजाजी, ऑफिस में हंगामा हो रहा है? ये कैसे पता चला तुम्हें? इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे पता नहीं चलेगा। शिवा प्लीज, तुम कनाडा वापस चले जाओ, ये लोग तुम्हें यहाँ जीने नहीं देंगे। बॉस, यहाँ अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन ईश्वर जैसे लोग हर जगह मिलेंगे। इनके बिना अगर दुनिया में रहना है तो फिर ये दुनिया छोड़नी होगी। वो बात नहीं है, लेकिन जीजाजी, ये मेरा देश, मेरा शहर, मेरी मिट्टी है। अगर यहाँ नहीं जीत पाया तो कहाँ जीत पाऊंगा? चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं मुकाबला जरूर करूंगा। क्यों राजा? हाँ देख लेंगे ना बॉस। रामचंद्रन सर, शांत हो जाइए। मुझे कहने तो दीजिए, मेरी बात सुनेंगे आप लोग? मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। शिवा आप लोगों को धोखा देकर कहीं नहीं जाएगा। उसका पासपोर्ट, उसका बैंक स्टेटमेंट और बाकी सब कुछ कमिश्नर ऑफिस में सरेंडर किया हुआ है। जिन लोगों को भरोसा नहीं है वो कमिश्नर ऑफिस में जाकर चेक कर सकते हैं, और जिन्हें भरोसा है वो अगले महीने आकर फ्लैट की चाबी ले सकते हैं। लेकिन प्लीज यहाँ शोर मत मचाइए। क्या हुआ शनमगन, यहाँ क्यों आया? सर, मैंने आपके साथ, तुमने कोई धोखा नहीं किया मैं जानता हूँ शनमगन। सब कुछ ईश्वर का किया धरा है सर। ये सब होगा मैं जानता था। शिवा के नाम पर मेरे मुवक्किल पार्थ सारथी की जमीन ये कहकर खरीदी कि रेलवे ट्रैक आने वाला है वहाँ पर। यही झूठ बोलकर उस जमीन को हथियाया था ना उसने। दो दिन में पैसे नहीं दिए तो कोर्ट में 3 गुना पैसा भरना पड़ेगा, यही लिखा था ना उसमें। इस तरह जिन लोगों को भी धोखा दिया गया उन सब के नोटिस मेरे पास पहले ही आ चुके हैं। कुछ नया बताओ शनमोगन। वो बात नहीं है सर। इतने सारे केसेस के लिए अगर आपको कोर्ट जाना पड़ा तो आपकी तो पूरी उम्र ही गुजर जाएगी। अगर वो वकील आपको परेशान करना छोड़ दे तो मैं उसके पैरों पर भी गिड़गिड़ाने के लिए तैयार हूँ। उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, वो कोई भगवान है? वो तो एक शैतान है, सिर्फ नाम ईश्वर है उसका, और तुम उसे भगवान समझ रहे हो? नहीं जी, अभी जो सिचुएशन है, बिना विवेक की वीरता कायरता है और बिना वीरता का विवेक असभ्य है, और मुझमें दोनों है।
मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मैं भी एक पार्टनर हूँ। मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मेरे अंडर काम कर रहे शिव कुमार को मैंने बस एक पार्टनर की हैसियत से नौकरी पर रखा था। मेरी कंपनी में से उन्हें उनके अधिकारों से निरस्त किया जाता है, इसलिए अब मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरी है। ओए शेखर, मैं एक दिन का टाइम दे रहा हूं, तब तक मेरे पास जो पेपर्स हैं उन पर तुमने साइन कर दिए तो तेरा बेटा घर आएगा, नहीं किया तो सीधा यमलोक जाएगा। कैसे बॉस? ओए, कौन है तू? मेरा नाम राजा है और मेरे सारे दोस्त मुझे राजू राजू कह के प्यार से बुलाते हैं। ये बात है वो तो समझा, लेकिन तू यहाँ क्यों आया है? वो क्या है ना बॉस, मैं आपको यहाँ पर मारने आया हूँ। क्या कहा? ए, बॉस, तुम्हारी बातों से मेरे डायलॉग का फ्लो कट रहा है ना। क्या मतलब? पहले अपना डायलॉग तो कंप्लीट करने दो। ठीक है, कंप्लीट कर। अच्छा तो सुनो बॉस, अब तुम्हें मैं खड़े खड़े मारूं या फिर दौड़ा दौड़ा कर मारूं या लेटा कर मारूं या शोर मचा कर मारूं या शांति के साथ मारूं, बिना खून निकाले मारूं या खून निकाल कर मारूं, चॉइस इज योर्स। कौन तू? तू मुझे जान से मारेगा? समझे नहीं बॉस, कोर्ट में जब जज आखिरी इच्छा पूछता है तो वो भी इतने ऑप्शंस नहीं देता। I give you more. Choose, choose. तेरी तो। अरे वाह बॉस, मैं आपको मारने आया था लेकिन आपने तो मुझे ही मार दिया और आपने ऑप्शन भी चूज कर लिया है, तो अब मैं बेरहमी से मारूंगा। नमस्ते, बैठिए। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। आज आप सबसे मिलने की वजह है टू अनाउंस माई न्यू कंपनी बेन कंस्टोरियम। इस कंपनी का सिर्फ नाम ही नया नहीं है, इस कंपनी के एम्प्लॉयज, स्टाफ सब लोग नए हैं। ये मेरी कंपनी के नए लीगल एडवाइजर हैं, मिस्टर रामचंद्रन। एक्सक्यूज मी सर, पहले से मॉडर्न कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी के होते हुए अब अचानक नई कंपनी खोलने की क्या वजह है, क्या जरूरत आ गई सर? मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं भी एक पार्टनर हूँ कहकर एक ने केस किया, ये आप सबने पेपर में पढ़ा होगा, इसलिए उस कंपनी की प्रॉब्लम्स को लीगली फेस करने का मैंने फैसला किया है। इसका मतलब उस कंपनी पर भरोसा करके नए फ्लैट के लिए जो पैसे दिए थे उन कस्टमर्स के हालात? उन्हें जितना पैसा मिलना था उन्हें लीगली सेटल कर दिया गया है। सर, उस कंपनी के नाम से बैंक में कई करोड़ का लोन लिया गया है ऐसा कहा जा रहा है, इस बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं सर? इस कंपनी में मैं भी एक पार्टनर हूँ ऐसी न्यूज़ दी गई थी ना, तो ये सवाल आप उनसे पूछिए। वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ पूछिए। आपकी पुरानी कंपनी के लीगल एडवाइजर मिस्टर ईश्वर मानसिक संतुलन खोकर मानसिक इलाज के लिए केरला गए हुए हैं और सुना है कि वो वहाँ किसी अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसी वजह से आपकी कंपनी में इतना सब गड़बड़ हुआ ऐसा कहा जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नो कमेंट्स। सर, वो ट्रीटमेंट खत्म करके बाहर आ गए हैं या फिर वहीं पे हैं? नो कमेंट्स। सर,
आपके नो कमेंट्स बोलने से लगता है कि मिस्टर ईश्वर सच में वहीं पर पड़े हुए हैं। सर, वन मोर क्वेश्चन प्लीज। सॉरी, नो मोर क्वेश्चंस। आप सभी के लिए डिनर अरेंज किया गया है, सभी उसका लुत्फ उठाइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह उस्ताद, तुम तो आज के टॉक ऑफ द सिटी हो गए हो। कैसे? आज तुम बड़े बिजनेसमैन हो और कल कहीं देश के राष्ट्रपति न बन जाओ ये सोचकर अच्छे अच्छों के हाथ पर कांप रहे उस्ताद। शिवा सर। आओ सुधीर, तुम कैसे हो? आप भी बाकी लोगों की तरह हो गए ना सर, अरेस्ट किए गए, उसके बाद बाहर आए, एक नया बिजनेस भी शुरू कर दिया। डेविड भाई जब गुंडे थे तो कम से कम जिंदा तो थे, आपके ही समझाने पर वो अच्छे बन गए थे सर। लेकिन हमारा अच्छा बनना हमें भारी पड़ गया सर। एक्सीडेंट में मैंने अपने हाथ पांव गवा दिए, वरना डेविड भाई को मारने वालों को जिंदा गाड़ देता मैं। लेकिन कुछ नहीं कर सकता। सुधीर, तुमने तो अपने जज्बात शब्दों में कह दिए, लेकिन मैं नहीं कह सकता। जो पौधा लगाता है वही पानी डालता है। ए, कौन है रे तू? यहां बैठ के खाना क्यों खा रहा है? तुझे पहले कहीं देखा है मैंने। मुझे नहीं पहचानते बॉस, तुमने वो बादशाह फिल्म देखी है ना, उसमें बॉम्बे में आता है ना वो मानिक बादशाह, वो मैं ही हूँ बादशाह। क्यों बे, मुझे देख के मजाक सूझ रहा है तुझे? नहीं, तुझे धोने का मन कर रहा है। तुझ में इतनी हिम्मत है क्या बे? मेरे घर में आके मुझे ही धमकी दे रहा है। ए, खड़ा। अबे गधे, मुझे खड़ा होने का क्या कर, खुद खड़ा हो गया। इज्जत बस दिल में होनी चाहिए। चल बैठ जा, बैठ। ए, बहुत बुरा इंसान हूँ मैं। अच्छा, क्या बात कर रहा है यार, मैं भी बहुत बुरा इंसान हूँ। तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? ए, खड़ा। सोचा था पहले खाना खा लूं फिर मारूंगा, लेकिन तुझे तो मरने की बहुत जल्दी थी, हड्डी भी नहीं खाने दी ठीक से। क्यों बे शिवा, इस कंपनी के खुलने का मेन कारण तो मैं ही हूँ। मेरा हिसाब लेने के लिए पेपर में न्यूज दी है ना, नुकसान मेरे सर पे लगाकर मुनाफा तू लेकर जाएगा और नई कंपनी खोल लेगा। अच्छा ए गोविंद, तमीज से बात कर। तुझसे कैसी तमीज बे गोविंद? अबे मेरी फैमिली के बारे में गंदा बोलेगा। हे शिवा, हाथ क्यों उठा रहा है रे? नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? गोविंद सर, ये तो मर गए। हे भगवान, हेलो सर, सर मर गए। हेलो पुलिस स्टेशन सर, यहाँ खून हो गया सर। यही है करण, कल के पेपर की हेडलाइन कैसा लगा? सुपर है भाई। इस न्यूज को अखबारों में प्रिंट होकर बाहर निकलने में अभी 5 घंटे बाकी हैं। 5 घंटों में लोगों के हाथ लगने से पहले उस शिवा को मरना होगा। भाई मैं अभी अपने लोगों को भेजकर उसे खत्म करवा देता हूँ। नो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उस मैनेजर गोविंद को हमारे लोग 10 मिनट में मारने वाले होंगे। शिवा पार्टी खत्म करके जब बाहर निकलेगा तो उसी सड़क पर पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी और उसके बाद ये खबर कल के अखबारों की हेडलाइन बन जाएगी। भाई दुनिया में आपसे चालाक इंसान कोई दूसरा है ही नहीं। न्याय और कानून के महारथी ईश्वर साहब को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग सर। भाई वही है क्या? हाँ वही। फोन कट मत करना भैया। और बताओ शिवा, क्या बात है, काफी दिन से दिखाई नहीं दिए, कहीं विदेश गए हुए थे क्या?
एक जगह पर अच्छा खाना मिलेगा, किसी कुत्ते की बात सुनकर मैं वहां खाना खाने गया, फूड पॉइजन हो गया मुझे। वहां ट्रीटमेंट लेने गया तो पता चला वहां चर्बी भी कम करते हैं, और आपको इसकी सख्त जरूरत है। आप बोलो तो उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया जाए। हाँ, अपने इस भाई से इतना प्यार है तुम्हें, और नहीं तो क्या, अपने शिवा की तो आप जान है। जिसे मैं छीनने वाला हूँ भाई, वो अपना मैनेजर गोविंद है ना, कंपनी उसकी है बताकर केस करने के अलावा फोन करके मुझे गालियां बक रहा था, तो मुझे इतना गुस्सा आया कि गमला उठाकर उसका सर फोड़ने गया तो देखा कि घर पे उसने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है। उसमें लिखा था, क्या लिखा था जिया जी बताइए। मैं अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए मेरा खून करने के लिए किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ। वो फोन तो पहले से ही ऑन है, रिंग दूसरे फोन में बज रही है। बोलो भाई, ये गोविंद तो ताला लगा के भाग गया यहाँ से। मैं अभी एक मीटिंग में हूँ। सिर्फ इतना नहीं भाई, अपने दरवाजे के सामने एक बोर्ड भी लगा रखा है। मैं अभी एक मीटिंग में हूँ। नहीं भाई, पहले आप मुझसे बात कीजिए। अरे फोन रखना यार, क्या गलत टाइम पे फोन कर रहा है तू, तुझे अकल नहीं है क्या? भैया, वो शायद तुम्हारा प्लान जान चुका है, मैं अभी जाकर उसकी पत्नी और दीदी को उठा लेता हूँ। अरे वो कैसे कर सकता? क्या साले साहब? कुछ भी नहीं जीजा जी, मुझे एक दोस्त पूरे परिवार सहित डिनर पर बुला रहा है, लेकिन अपने घर के तो सारे लोग कल शाम को ही कनाडा रवाना हो गए ना। भैया, उसका परिवार चला गया तो जाने दो, मैं अभी राजेश और किशोर को फोन करके बुलाता हूँ। कौन था जीजा जी? कॉमेडी चैनल वाले थे शिवा। कॉमेडी चैनल? शिवा, तांबरम के पास ईके फार्म हाउस में एक लाश मिली है, और किसी ने फोन करके पुलिस और मीडिया को यह खबर दे दी है। अच्छा, और वहाँ पुलिस के आने से पहले मीडिया आ गई। अरे बाप रे। इसमें चौंकाने वाली बात ये कि उसने जहाँ खोदने के लिए कहा था वह लाश नहीं, पैसे और डॉक्यूमेंट्स मिले। अरे बाप रे, किसके पैसे होंगे जीजा जी? किसके होंगे ब्रदर, आपको आइडिया है क्या? मैं भले ही मर क्यों ना जाऊं बॉस, लेकिन आप उन्हें जिंदा मत छोड़ना।
कौन आ रहा है? टक टक करके थोड़ा जल्दी तो आ रहे भैया। तुम? अरे हाँ मैं ही हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? दिखाई नहीं दे रहा क्या? गोली मार दी मुझे। मैं निकालूं क्या भैया? तुझसे नहीं होगा रे। लेकिन क्यों भैया? तू मुझे उठा नहीं पाएगा बे। तो फिर मैं क्या करूँ भैया? ऑटो कह के चिल्ला तो क्या होगा? ऑडियंस समझ जाएगी कि मैं बच गया। ऑटो मेरे सामने नहीं बे, ऑडियंस के सामने चिल्लाना। ऑटो ठीक चिल्ला, ऑटो जोर से चिल्लाना, आवाज दूर तक जानी चाहिए। ओए, क्या कहा था? ये तो तेरी बहन है ना? शांत रह, ये तो तेरा भाई है ना? क्यों रे शाने, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत कि मेरे घर में घुस के औरतों पर हाथ उठाने के अलावा छोटे बच्चे पर भी हाथ उठाया? तू है ना, दो दिन पहले गुंडा बना है, लेकिन तू इस शेर को नहीं जान पाया। जिस दिन से ये देश आजाद हुआ था उस दिन से ये शेर गुंडागर्दी कर रहा है। तो फिर अब तो शेर रिटायर हो गया होगा? मेरे को रिटायर हो गया बोलता है? भाग यहाँ से, मारो इनको, मारो, मारो। अब ये कंपनी कई परीक्षा और कठिनाइयों को पार करके बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहा है। ये और भी तरक्की करे ये मेरी दिली ख्वाहिश है।